Assalamualaikum, a very warm welcome to Subah Bakhair Pakistan with Samia and Uzma Khan. आज हम दोनों आपको ईद मुबारक कहने वाले हैं और पहले तो सबसे पुरजोश तरीके से ईद 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 मुबारक आप लोगों को. तो कैसी चल रही है ईद? शुरू हो गई है, सारे लोग जल्दी जल्दी उठ गए हैं ना. दिन को सोकर ईद नहीं गुजारनी है, आंखें खोल खाल के गुजारनी है. ये मैसेज है हमारी तरफ से और रोज न्यूज की तरफ से. तो हमारे साथ आज है कौन? हमारी प्यारी प्यारी सहेली जो हमारे साथ मॉर्निंग शोज करती रहती हैं, वो आज आपके साथ जबरदस्त शो करने वाली हैं. और हमारे साथ है सामिया. सामिया जी, बताइए आज ईद का मैसेज. जी, सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक. और जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त, उन सबको बहुत ईद मुबारक. और प्लीज़ उनको मत भूलें जो इस वक्त बॉर्डर पर जॉब पर हैं, अभी भी उनको छुट्टी नहीं मिली, वो अपनों के साथ ईद नहीं मना सकते, उन सबको भी बहुत ईद मुबारक. जी, तो सामिया ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबको ईद मुबारक. और हम आपको कहते हैं कि ईद की खुशियों में हम सब आपके साथ शरीक हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सितारे जो कि हमारी रौनक हैं, हमेशा से हमारे प्रोग्राम्स की रौनक रहे हैं. भाई हम तो रौनकें हैं ही, लेकिन जो कहते हैं ना कि पुर रौनक और हमेशा की, वो हैं हमारे मेहमान जिन्होंने आज स्पेशल ईद के दिन आकर आप लोगों के साथ ईद का दिन गुजारने की पूरी पूरी कोशिश की है. तो सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं. सामिया बताएंगी आज के आज हमारे साथ कौन से प्यारी प्यारे मेहमान हैं. तो ओवर टू यू सामिया. थैंक यू उस्मा. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जोहरिया, मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त, और बल्कि सभी आज मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं. आपको पता है उस्मा, हमारी फ्रेंड्स आज हमने बुला ली हैं साथ में, वो उनका हम डेजिग्नेशन भी बताएंगे, लेकिन वो इतनी खूबसूरत काम करती हैं. डॉक्टर जोहरिया हैं हमारे साथ, हैं आयशा और सदफ अब्बासी एंड रिजवाना. वेलकम टू द शो गर्ल्स. थैंक यू. आप सबको ईद मुबारक. आपको भी बहुत ईद मुबारक. बहुत ईद मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया. ये तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है सामिया कि ये इतने खूबसूरत जो जोड़े पहन के आई हैं, भाई हमें तो सबसे पहले ये फोकस करवाना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर यू आर वेयरिंग. यहाँ से मुझे याद है पहले हमें अपनी तारीफ करनी चाहिए, हमको बहुत प्यारी लग रही है. सॉरी गर्ल्स, आप भी लग रहे हैं, लेकिन देखे नंबर वन तो हम है, चले आप लोग फॉलो कर ले हमें, कोई बात नहीं भाई. लेकिन सच्ची बात ये है कि हमें तो कहते ना कि द कलर्स आर द लाइफ ऑफ, like you know, you're that, they are the lives, जिंदगी है. आज मुझे देखकर समझ में आ रही है, इतने कलरफुल. माशाल्लाह आपका अपना कलर इतना प्यारा है, पिस्टैशू कलर, और इसके साथ साथ जोहरिया का जैसे मैंने बताया कितना खूबसूरत है. आयशा, आई एम लविंग योर समर कलर एज वेल, एंड ब्लैक इज ऑलवेज द ग्रेस एंड द ब्यूटी. लेकिन ये जो ये कलर है ना, ये जवानों वाला रंग इस पर है, ये तो मैं समझती हूँ, ये जो कलर होता है ना मजेंडा, ओ वाओ, ये इसको ना सही जवानों वाला कलर कहते हैं. आपने जो कलर पहना हुआ है, इट्स रियली गुड. आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएं कि कहां से रेड रेड. देखिए वो कहते सूरज को चिराग तो ना ही दिखाया जाए तो बेहतर है. चिरागों जैसे रंग भी है ना, थोड़ा थोड़ा येलो येलो इसमें, तो इसलिए मैं ये सोच रही थी. बट नॉनदलेस ये रौनक लगी है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके. गर्ल्स यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. अच्छा अच्छा, इतनी खूबसूरत ड्रेसेस पहने, मुझे सच सच बताएं चांद रात को क्या लिया? कि चांद रात को शॉपिंग की, चूड़ियां शूड़ियां, और वो जो एक होता है ना ट्रेंड था, वो अभी भी मैंने देखा है लोगों में है उनका, चाहे कुछ लेना हो ना लेना हो, चांद रात को सब बाहर निकलना जरूर है. बिल्कुल. तो रात को मेहंदी शेंदी लगवाने और ये सब करने अभी भी जाते हैं? सामिया, मेरे लिए तो कोई ईद होती नहीं है कंप्लीट अगर मैं मेहंदी ना लगवाऊं. आई हैव टू गो, बल्कि मेरी बेटियां भी अब माशाल्लाह वो कई दफा हंसती हैं, वो कई दफा कहती हैं हमने नहीं लगवानी, तो मैं कहती हूँ ईद कैसे होगी. लेकिन इस दफा मिस हो गई ना, तो बस वो अभी इंशाल्लाह इधर जाके तो पहले काम हमने मेहंदी लगानी है. मेहंदी वाली इज वेटिंग, क्योंकि ईद तो होती नहीं है मेहंदी के बगैर. वेरी ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू. तो आप बताइए, आप लोगों से स्टार्ट करते हैं कि करके बताएं सामिया का क्वेश्चन कि चांद रात पे आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं. चांद रात पे हम पहले तो नेक्स्ट डे की कुकिंग सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि कंप्लीट कर लें, क्योंकि ईद वाला दिन जो है वो किचन में गुजारा जाए ये ठीक नहीं बात. तो इसलिए चांद रात स्टार्ट होने से पहले किचन का काम फिनिश करके एंड देन वी गो आउट. उसमें ऑब्वियसली मेहंदी लगवानी होती है सबसे पहले बात, फिर चूड़ियां पहननी होती हैं, और उसके बाद कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करके वापस आ जाते हैं. जबरदस्त. जी हमारा तो हर ईद पे बस यही रिचुअल है कि ईद पे वी गो आउट आइदर विद फ्रेंड्स, ज़्यादातर माय सिस्टर्स, माय फैमिली, वी गेट टुगेदर, गो आउट समवेयर, और फिर यही कि हमारी मेहंदी वाली आ जाती हैं घर, तो फिर लेट तक फिर मेहंदी लगाते हैं, एंड देन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे की तैयारियाँ. जबरदस्त जबरदस्त. तो रिजवाना रह गई थी, रिजवाना आप बताइए.
चांद रात पे चुके उसी तरह एज यूजल एज ए आर्टिस्ट सिंगर चैनल्स कॉल करते हैं कि शोज़ रिकॉर्ड करना होता है ज़्यादा, अमूमन तो वही गुजर जाता है, लेकिन एक हेजिटेशन सी रहती है कि हमारा कुछ मिस सा हो रहा है, और वो ये कि बाहर ज़रूर जाना होता है बच्चों के साथ, फिर चली जाती हूँ और फिर सैरी के टाइम फिर वही चीज़ें जो बनानी होती हैं अगले दिन। और लेकिन मेहंदी का मुझे ऐसे खास शौक है, मेहंदी कह रहे हैं ना कि बनानी होती है तो मुझे मेरे माइंड में पता क्या आता है, सवैया। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू से दैट। और सवैया ना, देयर इज नो कंप्लीट विदाउट सवैया। वेरी ट्रू। सामिया, एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको। पता है मैं छोटी ईद पे पैदा हुई थी। ओह, आई एम मदर। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को हॉस्पिटल छोड़ के गए थे नमाज से पहले, और नमाज के बाद आई वॉज देयर। सो माई पेरेंट्स टेक मी वेरी एज अ वेरी प्रेशियस चाइल्ड की हमारी ईदी है, मुझसे कोई ईदी मांगता है तो मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही ईदी हूँ। अच्छा, वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये तो बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें, लेकिन कुछ ना कुछ चटपटी बातें भी होनी चाहिए। ईद का मजा क्या जब चटपटी बातें ना, सही कहा है ना, है ना आपने साबिया। तो मुझे बताया कि क्या कभी आपको बचपन में या कॉलेज में या क्या आपको कभी वो शेर सुनने का मौका मिला कि तुम ना छत पर आई तो चांद ना दिखा, चांद ना दिखा तो ईद भी ना समझ हुई। क्या किसी ने ऐसे शेर लिखे? वैसे तो ये शेर ढेरों ढेर मशहूर है। बस जी, अब सुनने वाले समझ जाएं कि उसमें क्या पूछना चाह रही है। नहीं, मैंने बहुत खुल के बता दिया, अभी मैं समझ नहीं आई, दोबारा बताऊं। जो छत पे नहीं चढ़ के तांगा चांगी होती, ठीक है, उसके दौरान में अगर कोई आपको लगता है कि कोई शेर दिखा दे, शेर बता दे, क्या आप लोगों को वो इंटाइस करते थे या कहते थे क्या बात हो कि अगर कोई जिंदगी में ऐसा हो जो इस किस्म के, अभी तो खैर घटिया शेर लगते लेकिन उस जमाने के कीमती शेर होते तो मजा आ जाता, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है जोरिया? हाँ नहीं, उस वक्त तो आप देखें एक बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है। अभी भी है, ऑफ कोर्स यू आर सो यंग। अच्छा, मैं यही कहने वाली थी क्या भाई, उस जमाना हम सब यंग हैं, अभी के तो हैं। अभी तो अभी आपने कहा ना पास्ट का बताना है, कॉलेज वाला नहीं ना, अभी तो यूनिवर्सिटी वाला जमाना है। बस इसी कॉन्फिडेंस के तहत तो यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना यू नो। तो खैर, एनीवेज, कॉलेज में तो बंदा होता है इंप्रेशनेबल है, और ऑब्वियसली ये वाले ख्यालात जो एक बड़े शफीक से ख्यालात होते हैं, रंगीन से ख्यालात होते हैं, इंसान के दिल में होते हैं ऑब्वियसली, और पार्ट एंड पार्सल आई थिंक नॉर्मल है। और अब जब डॉक्टर बनने के बाद पता चला कि हार्मोनल है, लेकिन ये मेल्स को तो हार्मोन्स नहीं आते, तो ये ज्यादा शेर तो उधर से ही आते थे हमेशा। मेल्स तो ऑल हमेशा ही रहते हैं ना, फिर हार्मोनल रहता है। सो ट्रू। आशी, आप कुछ आप बताओगे? मेरा बचपन यूके में गुजरा है, तो यूके में चांद नहीं निकलता था, छत भी नहीं होते थे, इसलिए घर ऐसे होते हैं कि छत ही नहीं है, छत वालों कर्व होता है ना, कर्व लोग होते हैं वहां से तो नीचे ही गिरे, अगर आप देखने के लिए भी तो चढ़े तो। लेकिन एक मैं बता सकती हूँ कि आई वॉज इन यूनिवर्सिटी इन यूएस, जब मैं US यूनिवर्सिटी में थी बर्कले में, तो मैं जब पास से गुजर रही थी तो किसी ने कहा मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, पीछे देख के ये मुझसे बोल रहे हैं। आई वाज लाइक देयर इज नोबडी एल्स, देयर मस्ट बी मी। ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल, हाउ कैन यू बी सो अंडर कॉन्फिडेंट ऑन दिस कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह, थैंक यू, एंड आई जस्ट वेंट स्ट्रेट टू माय क्लास। कोई बात, आपके कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए मैं आपको यूके की याद ताजा दिलाती हूं, और आपको इंग्लिश में हम शेर बता देते हैं। व्हेन यू कम टू द रूफटॉप The moon bling blings. When you come to the rooftop, the moon bling blings. But the moon is nothing in front of your beauty ding ding. बस आपकी शायरी, आपकी शायरी तो उसमें जीत गई भाई। देखिए, यूके का शेर मैंने इसको इंग्लिश में बता दिया। ये वाला शेर सुनके क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई। मेरे माइंड में भी गई है। ये शेर सुन के जिंदा हो गई यार। This one is the next Williams words. I should act one as well. That's why she looks like a daffodil today. Oh my God, I'm going to die soon. पता है जब वो अल्लाह ना करे, जब वो दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह करे मतलब सबका ही टाइम आना, तो ऐसी प्यारी प्यारी तारीफें होती हैं। मैं थोड़े दिन जाना चाहती हूँ इस दुनिया में, लेकिन आई लव सदा फॉर व्हाट शी हैज डन, एंड आई लव लाइक यू नो द गर्ल्स दैट आर कॉम्प्लीमेंटिंग अस। ऑब्वियसली ईद का दिन ही हम लोगों ने
एक दूसरे को बूस्ट अप करके होना होता है, तैयारियां एक दूसरे की देख के खुश होना होता है और बात करनी होती है. आशी आई लव योर स्पिरिट, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल. जी तो इस तरफ आते हैं सारे राज अफशा कर दें. अफशा को तो मैं नहीं जानती लेकिन राज मुझे बहुत पॉइंट. आज फुल मूड में है. ईद वाले दिन तो मैं बड़ी मूड में होती हूँ क्योंकि ईद वाली रात में मुझे होता है कि यू नो देयर इज लॉट्स ऑफ कुकिंग एंड लाइक सामिया सेड, सवैयों के बगैर तो कोई ईद कंप्लीट ही नहीं होती. तो मुझे होता है कि मैं रात में सारे अपने चोर्स ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं मेहंदी लगवाऊँ और अपने कपड़ों को सेट करूँ और मुझे बड़ा शौकीन हूँ कपड़ों की. तो फिर मुझे होता है कि जी आई शुड बी डन, माई किड्स शुड बी डन, माई हस्बैंड थिंग्स शुड बी देयर इन ऑर्डर. तो वो जब सब कुछ हो जाता है फिर हमारे घर सुबह लंच होता है एक फैमिली का ना. तो दैट्स अ रिचुअल दैट गोज ऑन माशाल्लाह. क्योंकि मेरी अच्छा अभी क्या क्या बना के आई हो जरा बताओ. जब लंच की बात की ना तो वो असल में आप रमजान में तो कुछ खा नहीं सकते ना, तो मुझे ईद वाले दिन बड़ा दिल करता है कि यू नो एक्स्ट्रावेगेंट चीजें हों, जैसे रान हो, यू नो रोस्टेड और चावल हो, अफगानी पुलाव. मैं तो ना इस शो के बाद आने वाली हूँ तुम्हारे बस, लेट्स गो. ठीक है मैं भी अब सदब के साथ जाने वाली हूँ उज़्मा, तो इसके बाद फिर ठीक है सब. थैंक यू वेरी मच सदब. अब तो रिजवाना आप बता दीजिए, कोई पर्दा ना रखिएगा, इतना शर्माहट का रास्ता अपनाइए. फीमेल होती है वो वर्किंग लेडी भी होती है और वो जिससे बाहर लेके चीज़ों को मैनेज करती है, वो घर में भी अपने हस्बैंड बच्चे जैसे अगर जॉइंट फैमिली है तो उसको भी वो वैसे ही लेके चलती है. तो ईद वाले दिन भी हम लोग इतना ही कम्प्लीटली हमारा ध्यान जो है वो घर मैनेज करने पे होता है और वो एंड में सबसे तैयार होती है. लेकिन वो जो आखिर में तैयार होने का मजा होता है उसमें फीमेल खुद बहुत रिलैक्स होती है कि मैंने सारे काम कर लिए और अब अच्छे तरीके से अपने आप को टाइम दूँ. मेरी तो ये थिंकिंग है और मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ. बिल्कुल जी, लेडीज जो होती है ना वो किसी भी फील्ड में हो कहते हैं ना वो कर लेती हैं, कर लेती हैं. उनको मैनेजमेंट में जितनी वो अच्छी है ना, मुझे लगता है कि जो मेल होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते. क्या कहना है, अब वो सुन रहे होंगे अलग बात है कि नहीं होती. दिन भी कुछ तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट इज अ ग्रेट स्किल. वो जिसके अंदर होती है उसकी जिंदगी जो है ना मेरे ख्याल से बड़ी सुकून से गुजरती है. फीमेल्स आर मल्टीटास्कर्स, नो डाउट अबाउट. जितनी मल्टीटास्किंग खवातीन कर सकती हैं उतनी जो है वो मर्द हजरात नहीं. वैसे एक डिलेमा है, एक क्वेश्चन है जो मुझे बड़ा ही ना मैं अपने घर वालों से भी पूछती रहती हूँ, वो ये कि मतलब हाउ डू यू मैनेज. लाइक आप तैयार होते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं, घर वाले आपसे डिमांड करते हैं कि ईद पे फौरन उठ के तैयार होना है. तैयार होते साथ ही टिंग टोंग मेहमान आ जाते हैं, आप बर्तन धोने भागते हैं क्योंकि आपके सारे काम वाले सारे लोग मेहमान रहमत होते हैं. ऑफ कोर्स हमारे भी मेहमान आए हैं तो क्या करना चाह रही हो. हम तो सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू कर रहे हैं ना आज. तो ऑल आई वांटेड टू नो इज द सोल्यूशन के किस तरह से ना ये जो मेहमान आते हैं इनको भी साथ में तैयारी भी. एज शी सेड दैट वी आर अ मल्टीटास्कर्स, तो आई वांट टू नो एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस दैट हाउ डू यू कैटर दीस मेहमान एंड द तैयारी एट द सेम टाइम. तो रिजवाना क्या आपको लगता है ऐसे. क्योंकि तैयारी के मामले में तो देखे कुछ खवातीन तो बिल्कुल कंजूसी कर जाती हैं कि चले हम अपने आप में कोई कमी, लेकिन शाम में तैयार हो जाए, शाम में तैयार हो जाए, टाइम भी डिले कर देती हैं लेकिन तब तो सारे चले जाते हैं आते हैं. लेकिन यह है कि जब रिलैक्स होके काम सारे ख़त्म करके जो तैयार होने का मज़ा है ना, वैसे मैं तो शाम को बिल्कुल रिलैक्स टाइम में जब सारे तैयार हो जाते हैं मैं सबसे एंड में तैयार होती हूँ. अच्छा मेरी बिलीफ आई एम डिफरेंट. मेरा ख्याल है रात में आप टेबल भी लगा दें अगर आपने लंच किया हुआ है, अपनी ट्रॉली सेट कर दें और आप ना डिशेस को बना के फ्रिज में रख दें. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एंड आई एम लाइक दैट. मुझे होता है कि जब कोई आ रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है. आई हैव ऑलवेज सीन इन माय फैमिली, मेरी दादी ने क्योंकि मुझे रेज किया और वो बहुत शौकीन थी कपड़ों की और तो हमेशा कहती थी कि सारा कुछ करके किसी मेहमान को ये ना हो कि तुम्हारे से सालन की बू आ रही है या किचन की स्मेल आ रही है. शावर लें, आप अच्छे से तैयार हो, डू योर हेयर, अगले कोई फीलिंग ना दे के जी तुमने तो तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल ही बस थक हार गई. डू योर वर्क अकॉर्डिंग, एक रात पहले यू नो बी ऑर्गेनाइज्ड, यू डू योर स्टफ एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वेक अप. दिस इज सच अ. तो जोरिया से पूछते हैं जी, जोरिया कैसे मैनेज करती है. मैं वैसे सदफ को ना अपनी सोल सिस्टर इसीलिए कहती होती हूँ कि मेरा एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी होती है. ये जैसे खीर और सवैया है, लजानिया है, पास्ता है, ये मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ सब. एंड यू नो इट्स इन देयर डिशेस. मुझे आज पता चला है कि जोरिया को लजानिया भी अच्छा बनाना आता है. तो ऐसा है कि कुछ
चलें ठीक है, हम मेहमान आज मुझे लगता है उसमें हम ऐसे करते आज हम शो के बाद पहले सदा कहाँ कहाँ जाएंगे, जाएंगे उनके जाएंगे लंच और डिनर दोनों डिनर ही कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं है, ईद के तीन दिन है जबरदस्ती जो अपने आप को इनवाइट कर ही रहे हैं तो चले जाएंगे एक दिन चले जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जब ये चीजें पहले से रेडी है हम ये भी कर लेते हैं क्योंकि ईद वाले दिन ज्यादातर कजन वगैरह आ रहे होते तो मैं डिस्पोजेबल्स काफी यूज कर लेती हूँ, हम डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड डिस्पोजेबल ग्लासेस रख लेते हैं एंड देन यू नो वी जस्ट डिस्कार्ड देम इंस्टेड के एक बंदा बैठ के बस धोता रहे, हमारा तो ये है यू नो एज आई एम फ्रॉम द नॉर्थ तो हमारे यहाँ की डिशेज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, हमारे यहाँ एक डेट मिठाई होती है खजूर की वो हम हमेशा एवरी ईद बनाते हैं, दूसरा गोश्त खोर तो हम हैं एज पठान्स तो गोश्त की भी बहुत डिशेज होती हैं अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल सवैया एंड द मीठा एंड एवरीथिंग एल्स। आई एम लविंग दिस बिकॉज़ आई डोंट लाइक चिकन, मेरे चिकन कंप्लीट छोड़ा हुआ है तो मैं अब प्रॉपर गोश्त, ये बात भी मुझे आज पता चल रही है, प्रॉपर गोश्त खोर तो आई जस्ट लव इट लाइक यू नो दिस द न्यू वैरायटी ऑफ द गोश्त एंड न्यू ऑल ऑफ इट, आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगी, मेरे को कुछ नहीं रोस्ट वो इसीलिए पोटैटोस एंड आई शैल यू गाइस मेक अ बुशबुक एंड चॉप शोरो एंड ऑल दोस, हां एंड देयर इज अ फ्यू वेरी फेमस वन जिसको हम कहते हैं ममथू, ममथू ममथू होता है यस एंड देयर इज डंपलिंग्स, हां बिल्कुल डम्पलिंग्स, लेकिन ये वाली जो होती है ना एक शोरबे वाला होता है उस वो और चीज होती है डम्पलिंग्स जो देर बिल्कुल ड्राई, हाँ ड्राई स्टीम्ड वाली, आई थिंक वो प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आती है ना बात, डोडो ममथू जो होती है ना वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, आई आई एम एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ बल्टी डिशेस यू नो, दे आर रियली they're easy to make and they're very healthy and they're buckwheat you know, I am one of the proper fans of your buckwheat, you know, उससे अच्छा wheat आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, it's very tasty, ऐसा ही है जबरदस्त, कोई हमसे तो पूछे असल में बात ये ना की अब मैं कह नहीं पा रही की ईद का दिन है तो ईदी भी होनी चाहिए, ईदी भी होनी चाहिए। अच्छा वैसे ये मेरा क्वेश्चन है की ईदी लेने वाले हैं अभी के देने वाले हैं, मतलब किन किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों का फजल है कि दोनों दोनों मैंने लेनी भी होती है और आगे देनी भी होती है बहुत ज्यादा माशाल्लाह, वैसे अब देने में जरा ज्यादा हो गए क्योंकि बच्चे नीचे ज्यादा जमा हो गए, देने वाले हमें देने वाले भी अल्लाह उनको जिंदा सलामत। अच्छा एक टाइम होता था मुझे याद है कि हम उठते थे और हमारे पेरेंट्स ईद की नमाज पढ़नी उस वक्त सिर्फ फैसल मस्जिद होती थी और हमारे पेरेंट्स जब जाते थे तो मुझे याद है कि हमें होता था कि हमने उनके आने से पहले तैयार होना है, रेडी होना है, फिर हमने ईदी लेनी है रेडी होके। अभी मैंने देखा आजकल के बच्चे सारा दिन ट्रैक सूट में गुजार देते हैं फोन पे टिक 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 वो फॉरवर्ड मैसेज और जब रात को कोई गेस्ट आना होता है या खुद होटलिंग पे जाना होता है जी फटाफट रेडी हो गए, तो वो जो ट्रेंड था ना वो बहुत खूबसूरत ट्रेंड था, नेचुरल था ना, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। तो आई थिंक लेट्स यू नो रिवाइव द सुन्ना एंड लेट्स रिवाइव द ओल्ड ट्रेडिशंस, बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ईद कैसे होती है, चूड़ियां उनको बताएं, बच्चे जब मेरी बच्चियां या मेरा बेटा या उनको को हो तो खैर मैंने उनको बड़ा ट्रेडिशनली रेज किया है, लेकिन अगर उनको कभी जरा हो ना तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा ईद है आज, ये हम चीजें आज नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको एक थोड़ा सा बताऊं जो सऊदीया में सब खवातीन और घर वाले करते हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम आई स्टेड देयर फॉर अराउंड 4 to 5 इयर्स तो जो पहले साल मैंने देखी ईद मस्जिद की जो नमाज सारी खवातीन है ना वो सुबह नमाज ईद पढ़ने जाती हैं और वो उस ईद की नमाज से पहले तैयार हो जाते हैं, बच्चे भी बच्चियां भी और खवातीन भी और बच्चे भी सब, एंड देन यू नो जब वो नमाज पढ़ने जाती हैं तो दे टेक दी स्मॉल गिफ्ट्स, उनकी बास्केट्स में छोटे छोटे गिफ्ट्स और हैंड आउट उन्होंने रखे होते हैं और खवातीन वाली साइड पे वो ईद मुबारक कहते हुए सबको एक 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 हाथ में भी देते, बड़ा ही कॉर्डियल और बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी इस तरह। अच्छा वो मुझे भी याद है ना कि मेरे फादर होते थे उन्होंने तो बलून्स भी लगाए होते थे घर में, जब हम उठते थे सो के तो हमारे रूम बलून से भरे होते थे और वो कहते थे मैं आ रहा हूँ, मैं और अम्मी जा रहे हैं और हम आ रहे हैं फैसल मस्जिद जा रहे हैं और हमारे आने से पहले रेडी होना अगर ईदी चाहिए, तो ईदी का जो एक होता था ना एक्साइटमेंट कि वो लेनी है गले मिल के लेनी है पेरेंट्स से। पता है समय एक्चुअली मैं जब देखती हूँ ना कि क्रिसमस का तो इतना ज्यादा हम लोगों ने बच्चों के लिए कर दिया कि क्रिसमस लंच हो और क्रिसमस ट्रीज हो घरों में, और ऑल दैट कहती थी मेरा बेटा बहुत
ज़ाहिर बच्चे फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों से बिकॉज वो इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं अंग्रेज कि बच्चों को लगता था कि दैट इज़ द थिंग. तो आई यूज टू टेल देम, हमारे घर में एक एरोकेरिया की ट्री होती थी, मैं कहती थी इसको सेट करते हैं, दैट विल बी आर ईद ट्री. तो बच्चों को ना आप प्यार डालें इस चीज से, आप उनको इस चीज बजाय उनको अंग्रेज बनाने के और क्रिसमस लंच और क्रिसमस डिनर्स और क्रिसमस ट्रीज के ऊपर आप फोकस करें. प्लीज फोकस ऑन योर ओन ट्रेडिशनल स्टफ. तो हो नहीं सकता कि बच्चे उस चीज को हमारे अच्छा मेरी तो ऐसे लगे जैसे आपने ना मेरे मुंह की बात की, क्योंकि जस्ट 2 years back आई स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन एट माई होम और पहले मैं नहीं करती थी. अगेन आई एम अ कल्प्रिट ऑन दैट कि बर्थडे है, वैलेंटाइन है, न्यू ईयर है, एज शी सेड क्रिसमस है. आप तैयारियां देखेंगे, ऐसी तैयारियां होती थी जैसे कि ना ऐसे फील होता था कि जैसे कि हमारे ओन है. ईद आती है तो ईद पे क्या होता है, पहले तो रमजान शुरू होता है ना, तो वो मतलब बिल्कुल सुकून, ऑब्वियसली सुकून एंड नूर इज द थिंग, बट व्हाई वुडंट यू लाइटन इट अप, व्हाई वुडंट यू मेक इट, अल्लाह ने जो त्यौहार बनाने के लिए और हमें परमिस किया है, दैट इज द ईद ओनली, वो क्यों नहीं है. तो एज शी सेड एज वेल कि सुबह से सो रहे हैं, सोने के बाद जो है रात में कह रहे बोरिंग. अच्छा the trend is, the trending अच्छा ये पता नहीं उसमें कहां से आया है, ये वर्ड कहां से आया है कि बोरिंग ईद पे चलेगा, बोरिंग ईद वो वाई बोरिंग ईद यार. नहीं नहीं अच्छा उसमें मैं ऑलवेज मैं होती हूँ हैरान कि भाई ये बोरिंग वर्ड कहां से आया हमारे मुझे लगता है कि बच्चे जो है उनके पास सोशल मीडिया में इतना कुछ करने के लिए कि जो बंदा साथ बैठा है उसको तो बच्चे बात भी नहीं करते, लेकिन जो दूर बैठा है आप यू आर मोर इंटरेस्टेड इन यू नो कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन. तो ये फिर जिंदगी बोरिंग ही हो जाती है ना, आपके साथ जो बंदा बैठा है उससे आप बात नहीं कर रहे, लेकिन आप कहते हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप है और हम सब एडिक्ट हो गए, हम प्रिजनर्स बन गए इनके फोनों के, क्योंकि हम भी कहते हैं कि यू नो पता नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए या स्टक हो जाए फेसबुक. अच्छा मुझे व्हाट्सएप से मैं एक बात कहूँगी कि पहले मेरी एक फ्रेंड है वो कहती थी पहले होता था कि ईद कार्ड होते थे. अच्छा एक कजन ने ईद कार्ड उसका वो होता था कि अच्छा ये कार्ड्स लेने, अच्छा अपने साथ में क्लासमेट्स को भी देने. अब क्या होता है एक ही मैसेज होता है हर जगह फॉरवर्ड हो रहा होता है. अच्छा और फिर उसके बाद आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपने जिनसे कभी बात नहीं की उनको भी चला गया टू ऑल ओके. और वो जो आपने सेंड किया होता है ना वो घूम फिर के वापस आपको आ रहा है, वो ह्यूमन टच अब नहीं है ना किसी चीज में. वेरी ट्रू और आई सो एग्री विद आयशा. आईटी का ये कि ये अच्छी चीज भी है और ये एक बुरी चीज भी है, तो हम इसकी पॉजिटिविटी को रखें. और ठीक है अगर देखें इस वक्त पहले कई सफेद लोग कार्ड्स नई शादियों के छपवा सकते थे, चले आप बर्थडे ये तो ईद का तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमारे माँ बाप भी इनकरेज करते थे और नहीं हम खुद बनाते खुद बनाते थे, इतना होता था. आई स्टिल रिमेम्बर अच्छा बहुत अच्छा लगता था कि उस पर पेंटिंग, इसलिए हमारी ड्रॉइंग भी अच्छी है अभी तक जो है, मतलब राइटिंग अच्छी है, ड्रॉइंग अच्छी है, क्यों अच्छी है बिकॉज हम अपने हाथ से चीजें करते थे, हम हर चीज के वो होते थे ना मास्टर होते थे. लेकिन सदर ये चीजें हम अभी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं ना अपने घरों में, मतलब जो ईद गिफ्ट है ईद के बजाय अगर ईद गिफ्ट्स दें और टेक अवे की शक्ल में दें, उसको खुद हैंड क्राफ्टेड करें एनुअल जी, तो इतने मजे की गपशप हो रही है तो ऐसा तो उसमें हो नहीं सकता कि हम कुछ गुनगुनाए ना. गुनगुनाना हमने तो उस तरह से नहीं है क्योंकि उठ के भाग जाएंगे लोग, लेकिन हमारे साथ बहुत प्रोफेशनल सिंगर हैं, वो बहुत बड़े बड़े इस्लामाबाद के जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं जैसे सरीना वगैरह हैं वहाँ पे प्रोफेशनल गाती हैं, और ना सिर्फ वो एक खुद एक अच्छी इंसान भी हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी आवाज़ का भी बहुत खूबसूरत जादू जगाती हैं. तो ईद हो और थोड़ी सी मौसीकी ना हो, थोड़ा सा गुनगुनाना ना हो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता. तो इसलिए हम रिजवाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बहुत खूबसूरत सा गाना हमें सुना दें.
एक बात कहूंगी, गिला किला बहुत हो रहा था, किससे हो रहा था? ढोला से, सारे सराय की सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, वो सारे ढोले पे ही होते हैं, मर्द भी ढोला कह रहा होता है और फीमेल की बात कर रही है। ढोला, जब आपको शिकायत करनी हो तो मतलब मोहब्बत में भी ढोला को और की पै गया टोला, टोला और रोला है ना, मतलब दोनों कह सकते हैं। आप सबने बहुत एंजॉय किया और बिल्कुल लाइवली सा लग रहा था। नहीं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, मर्द ढोला और औरत रोला। नो ऑफ कोर्स नॉट, वी आर द वाइब जो है ना, हम तो द कूलेस्ट ऑफ द थिंग है। लेकिन हम चलते हैं हमारे जो स्पेशल इस तरफ गेस्ट हैं उनकी तरफ भी चलते हैं। जोरिया कुछ बताइए, सिंगिंग में स्पेशली जो होता है, आपको लगता है ईद है, थोड़ी वाइबिंग है, तो सिंगिंग में आप लोग क्या पसंद करते हैं? और ईद का तो खैर एक अपना ही वो होता है, लेकिन व्हाट इज़ योर एग्जैक्टली टेस्ट इन म्यूज़िक? म्यूज़िक में पहले तो मुझे बड़े फेजेस गुजरे हैं, लेकिन अब जो है मुझे ज़रा जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है उसकी तरफ ज़्यादा मुझे पसंद है। जैसे भुल्ले शाह की जो शायरी है, उनका जो कलाम है, इसके अलावा सूफीज़म पे, और इसके अलावा इसरार अहमद हैं जो पाकिस्तानी सिंगर, उनका बड़ा जो उनके जो सॉन्ग्स हैं उसमें एक तो म्यूज़िक इस किस्म का है कि बिल्कुल एक कोई होता है ऑर्गन, बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिक नहीं होता, और जो शायरी है वो उसी तरह से थोड़ा सा गुनगुना, सही है। गुनगुना के तो आप लोग भाग जाएंगे सर, आई डोंट वांट दैट। नहीं, गुनगुनाने पे नहीं भागेंगे, हम आपका साथ देंगे। इफ यू वांट टू हैव सम शायरी, एनी लाइंस फ्रॉम द जो आपको पसंद है, योर फेवरेट वन, एक शेर है या एक मिसरा है वो मैं बोल देती हूं, बाकी गाने में तो आई थिंक आवाज जो है वो थोड़ी मेरी अजीब सी हो जाती है, तो आई डोंट वांट कि ऑडियंस इतनी अच्छी अच्छी ईद के दिन पे खुशी मना रहे हैं तो एकदम डर जाए। नहीं, शेर तो शायरी का गाना पड़ा ही तो मैं दिल दिल पाकिस्तान का जिसका मौका नहीं चलेगी।
ना वही है जो इजीली याद रह जाता है. तो वैसे तो अगर आप कहें तो मैं फारसी नज़म भी एक सुना सकती हूँ. ना सलीका तुझ में कलीम का, ना करीना मुझ में खलीक का. क्या बात, तू हिला के जादू सामरी, मैं कतील शेवाए आज़री. मसला ये कि ये समझ किसी को आएगा नहीं फारसी का, तो मैं इसको एंड एक ऐसे शेर से कर देती हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है. एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ. क्या इसका बात? जो नेक्स्ट वाला मिसरा है वो मुझे याद नहीं है. ये क्या, चलो. ये तो आधी आधी जो है वो शायद. अबे कोई बात नहीं. हम कर मैं आपके इस फिक्रे को कंप्लीट करती हूँ. कि मैंने महबूब को दिल दिया निशानी समझ के. अच्छा. मैंने महबूब को दिल दिया निशानी समझ के, वो खा गया उसको खुबानी समझ के. ऐसे मुज़्मा आज तुम दिल बहुत तेज़ है. और आप जो है सबको नोट कर रही है कि गिला क्यों, दिल क्यों आपने हमारे दिल पे और हमारी हरकत और सकनात पे नजर रखी हुई है. बिल्कुल जी, मैं तो रखूंगी. मैं तो कहती हूँ जैसे हैचा रखेंगी वो हर खबर पे नजर, हर खबर पे नजर, सामिया की हर खबर पे नजर. ऐसा ही है सामिया. तो आयशा से आप कुछ पूछना चाहें. जी आयशा, आप बताए ना, आपको आपको सिंगिंग का या सिर्फ सुनने का शौक है? मुझे ये कि मैं इंटरनेशनली मैं अरबी, फारसी, इंग्लिश, रशियन, इंडियन, पाकिस्तानी सब मैं सॉन्ग ली. मुझे डांस का ज़्यादा शौक है. एंड मैं बैले डांस मैंने सीखी भी थी एज अ टीनेजर. एज अ टीनेजर काश हमें इजाजत होती और अपना बता कर देता तो ऑडियंस तो बहुत खुश होती भाई. आज बस हमने शो नहीं बंद करवाना, अदरवाइज हम आपको देखना चाहते थे आज. और हमारे स्कूल में डांस क्लास भी होती थी एज आई वाज इन लंदन, तो वहाँ से शायद उसका शौक मुझे ज्यादा है. और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे मूवीज बहुत पसंद है. हाँ मुझे, लेकिन मैं इंटरनेशनल, मेरी कोई एक पसंदीदा वो नहीं है. जबरदस्त जबरदस्त. और जनाब आपकी तरफ आते हैं सदफ, आप चुप चुप बैठी है, कुछ बताएं. एंजॉय तो बहुत म्यूजिक बहुत पसंद है. आई थिंक मैं जब बचपन से लेके अभी तक, और मैं स्कूल में तो बहुत गाने गाती होती थी. अच्छा. लेकिन अब मेरे गले में भगवान बोलता है. ये आप हमारे नवाज खोकर हमारे एक टीचर होते थे, और वो बहुत ही अच्छे टीचर होते थे. वो मुझे ना हमेशा कहते होते थे कि राजा साहब आपने तो गाना जरूर गाना है. तो जो पिंडी से रिलेटेड गाने होते थे, क्योंकि मैं आई एम अ पिंडी गर्ल, तो हमेशा मुझे कहते थे कि ये गाना जो है ना ये तो आपने जरूर सुनाना है. और मुझे लगता है कि मैं उस राग एमन भी मैंने उनके साथ गाया, बहुत सारे गाने गाए. बट यू नो नाउ आई थिंक उसके लिए रियाज वगैरह आपको करना पड़ता है. तो यू नो सो मल्टी टैलेंटेड, सो आई हैव बीन इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स. मुझे कथक डांस सीखा, इतना इतना बताया है, अब थोड़ा सा तो गुनगुना देना प्लीज, गा दे. आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर इट, मेरे को गाना दिमाग में भी इस वक्त आ नहीं रहा. कोई बात नहीं, कोई ढोला बोला पंजाबी कोई टप्पा रोला, मेरा यार पिंडीदा. हां मेरा यार पिंडीदा वैसे वेरी फेमस सॉन्ग. अभी आई थिंक लाइक जोरिया सेड कि इट्स अ वेरी हैप्पी डे टुडे, लेट्स नॉट रुइन इट. आई थिंक दो तीन लाइंस तो होनी चाहिए. मुझे आजकल एक्चुअली बहुत फैसिनेट करते हैं जगजीत के गाने. और आई थिंक दोज आर वेरी नाइस एंड स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ सॉन्ग्स. लेकिन ये कि अभी मैं आई थिंक आई एम नॉट, मैं अभी पान नहीं खा के आई, तो भी रियाज मुश्किल है. तो आई थिंक सो कि इनको फिर वो जरूर गाना पसंद होगा. जैसे पान रखेंगे सदा के, वो था उनका प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. हो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. ब्यूटीफुल, देखिए आई गॉट माय वॉइस विदाउट द म्यूजिक, इट एक्चुअली द ऑथेंटिकेशन ऑफ योर साउंड. माशाल्लाह से वी कैन हियर दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल माशाल्लाह वॉइस. तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने जल्दी जल्दी करना है, तो क्विक फायर राउंड करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने नए मेहमान लेके आने, फिर सबिया उनके साथ क्विक फायर राउंड करेंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट से, और ये आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब देने, सोचने का वक्त कब है, क्योंकि अभी हम लोग इनसे रैपिड फायर तो नहीं, हम इनसे ट्रूथ एंड डेयर करते हैं. ठीक है, तो जोरिया आप सेलेक्ट क्या करेंगी, ट्रूथ या डेयर? ये बड़ा मुश्किल सवाल है. ये खुद में एक सवाल है. अच्छा चलें ट्रूथ कर लें फिर. ट्रूथ कर लें फिर. मैं पूछती हूँ आपसे, आप बताएं कि आपका पहला क्रश क्या? अच्छा मेरा पहला क्रश, दैट इज वेरी इजी, ब्रैड पिट.
लेके देखे ना तो डेयर इजी है, डेयर उसमें पूछेंगी ना, इसलिए कह रही है इजी, डेयर इज इजी, ठीक है डेयर ले रहे हो, ये देख क्वेश्चन लेकर घबरा है, नहीं कुछ भी नहीं करना है, अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, देखो डेयर इज बेसिकली या फिर गाना गाना है वही जो है उस पर है, या फिर ना किसी अपने फेवरेट एनिमल की आवाज निकालनी है, बिल्ली तो बता दे, ये तो सारा आपने बता दिया पहले, डेयर ऐसे डेयर लिया है ना, हां शी शी हैज चूजन द डेयर, हां जी, तो आप बताओ कि किसी भी फेवरेट बिल्ली कोई भी ऐसी आवाज जो कि आपको पसंद है आप निकाल सकते हो, या सॉन्ग व्हाटएवर यू वांट टू डेयर में जाए, एनिमल की आवाज तो आई डोंट थिंक क्यों मैं तो क्यों निकल के आए, द बेस्ट ऑफ द वॉइसेस आर देयर, अच्छा मुझे ज्यादातर लोग बिल्ली भी बोलते हैं तो आई कैन जस्ट से म्याऊ, दैट इज लाइक मुझे तो बस वो कहते हैं ना कि लवली म्याओ यार, अच्छा तो कैटी म्याओ, कैटी म्याओ, तो यहाँ पे वैसे हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने नए भाई बहनों के साथ कुछ हम रैपिड फायर के प्रोग्राम्स करेंगे, तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आपको मिलवाने लगे हैं अपने नए गेस्ट से, जी आज ईद का दिन है और हम सब बना रहे हैं आपके साथ, और हमारे साथ अब मौजूद हैं हुमैरा, एक एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साइमा, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, सैलून ओनर हैं, जी तो सबसे पहले तो ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, जी कैसी गुजर रही है ईद, अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो हमेशा की तरह अच्छी होती है, आज स्पेशली इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे अराउंड में वो लोग सारे हैं जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड यू कैन से ऑल ऑफ देम, बस आज हमने देखे, आज हमने आपको ईद ही दे दी, यस बिल्कुल एग्जैक्टली, और वैसे ईद का दिन ऐसा होता है ना जिसमें सबसे बड़ी जो मुझे खुशी होती है ना उसमें वो होती है जब मुझे ईद ही मिलती है, हाँ ये जब नया मेहमान आता है ना सामिया जरूर बताती है, तो आप लोग प्लीज इशारा समझिए, वो सब वो जौहरिया थे ना, जौहरिया उनका भी कहा था कि ईदी हमारी वो है, बट नॉनदलेस आप जितने भी बड़े हो जाए ना ईदी एक ऐसी चीज है, ईदी का लफ्ज सुनते ही ना आपकी खुशियां दौड़ जाती है, होता है ऐसे होता है बचपन की वो पूरी यादें मेमोरी में आपके इम्पैक्ट होता है उसका थ्रू आउट द लाइफ होता है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई ईदी दे, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स हयात हैं तो एक्सपेक्ट उनसे ही करते हैं और खुद भी देते हैं बच्चों को, हम खुद भी बच्चों वाले हैं तो इस दोनों सिलसिले चलते रहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त और अच्छी बात है ईदी की, वैसे तो सामिया के क्वेश्चन पे ये एक ईदी होती थी जो घर से मिलती थी, एक ईदी होती थी जब आपके रिश्ते तय होते हैं, एक ईदी आती है चेहरे के रंग आते जाते हैं, उस ईदी के बारे में क्या ख्याल है हुमैरा, बिल्कुल वो तो बहुत फैसिनेटिंग एंड एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव किस्म की होती थी, उसमें काफी दफा डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते थे ईदी में अपने घर वालों से, ये क्यों ऐसे क्यों होता था, घर वाले थोड़ी बहुत ईदी देके वो करते, वो तो आपको पूरे पैकेट बन के आते थे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, समटाइम्स ऐसा होता था कुछ चीज आपको पसंद नहीं होता, सूट आपकी पसंद का नहीं होता, देखिए घर वालों से जो ईदी मिलती है ना वो आपकी पसंद की होती है, वो आपने खुद पेरेंट्स से वो लड़के जी मुझे ये चाहिए मुझे इतनी चाहिए, जो ससुराल से आती ना फिर आप बोल नहीं सकते, जो आई है बस उसी पे गुजारा करना है, ठीक लेकिन ये तो आपके सुशील होने की निशानी है ना, पहला कदम है गृहस्थी की तरफ कि चुप करके जो आ रहा है उस पर खुशी करे, बर्दाश्त करे, वुमन एंपावरमेंट वाले देख लेते हैं, उसमें वो शुरू शुरू में सारा बर्दाश्त होता है, बाद में नहीं, बाद में नहीं, बाद में तो ईदी भी नहीं मिलती ना, बाद में है ना, क्या दुखती रख पे हाथ रखती है, आज कोई आंसू नहीं भाएगा, कोई बात नहीं सामिया, हम आपस में ईदी शेयर करेंगे और वो करेंगे, आप भी बताएं, आप इतनी खामोश हैं, कुछ बताएं कैसी गुजरी है ईद, अच्छी गुजरी है,
का दिन वो होता है कि जिसमें ना हम कहते हैं बहुत से बिजनेसेस जो होते हैं ना ऑफ हो जाते हैं, लेकिन आपका बिजनेस तो मैं वही कह रहा हूँ, हम काफी थके हुए होते हैं ईद वाले दिन क्योंकि रात काफी देर तक काम किया होता है, तो आपको तो ईद बहुत अच्छी लग रही होती होगी। ईद आने तक बहुत अच्छी लगती है, ईद वाला दिन फिर काफी हेक्टिक होता है। हेक्टिक हो जाता है जी, ऐसे ही है, काम तो काम है फिर। हाँ, वही बात है कि आपके हालात भी बॉर्डर वाले हमारे भाइयों जैसे ही हुए। ऐसे ही है। हाँ। जी। लेकिन साइमा कुछ बताइए, सलोन का कोई रंग बिरंगी बात बताइए हमें कि मेहंदी लगवाने के लिए आती है खवातीन, वो कितना जोश से आती है, और इसके अलावा जो सलोन पे आती है वो आप उनको एक नया रूप देके घर भेजते हैं। होता है वो काफी बिजी होता है, पूरा रमजान हम फ्री होते हैं। हाँ। और लास्ट वीक हमारा बिजी होता है, उसमें फिर चांद रात जो होती है वो तकरीबन 3-4 बजे तक सुबह तक हम काम करते हैं। अच्छा। उसमें मेहंदियाँ भी चल रही होती हैं, सर्विसेज भी चल रही होती हैं, काफी सारे काम हो रहे होते हैं। तो क्या आपका ये होता है कि खवातीन आकर कहती है ये देखो इस जैसी इमान अली जैसा मुझे बना के भेजो, और आप कहते हैं वो वेडिंग सीजन में होता है। अच्छा। वो वेडिंग सीजन में होता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, आजकल वो मीम्स भी बहुत चलते हैं ना कि वो हस्बैंड आके कहा कि भाई मेरी बीवी को क्या बना दिया था, मैं कुछ और समझो, निकल कुछ और आया है। मेरा एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा आपके हस्बैंड चेंजेस यू लाइक मैं रंग भर के नहीं काम करती, चेहरे नहीं बदल देती, फीचर्स एनहांस करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ नहीं तो बड़ा अच्छा इनका मेकअप होता है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इट्स प्रोफेशनली शी इज डूइंग वेल। आपकी इतनी तारीफ हो रही है साइमा, तो बस फिर हम आने वाले हैं साथ, इसलिए मैं कह रही हूं। माशाल्लाह से आई डिड ट्राई हर मेकअप बट हेयर्स के लिए, बट शी मेक्स यू सो कंफर्टेबल। जी बिल्कुल ठीक है। आप एक होता है ट्रिक सैलून वालों का ना कि आप जाते हैं ना वो जिसकी मीम्स बनी हुई है, हाय आपके बाल निकल आए, हाय आपके बाल खराब हो गए, ड्राई हो गए, आपके अंदर सारी बुराइयां डाल के आपको करके जाते हैं। इससे मुझे एक बात याद आई, उस्मा सैलून में चले जाओ ना तो वो मेरे साथ हो गया, पता होते हुए भी हर दफा हो जाता है कि ये वाली बोतल नहीं, ये वाला, ये इससे बाल बड़े जबरदस्त होंगे। अच्छा जी आप अच्छे खासे अमाउंट में वो बाय कर लेते हैं, घर आते हैं वो कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ यूजुअली आपने वो ट्रीटमेंट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा रेगुलर करनी होती है। Exactly. और उसको पूरा एक वो जो कोर्स होता है कंडीशनर और ये वो तब जाके वो आपको इस तरह बातों में उलझाते हैं ना कुछ तो नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप कोई भी चीज जो है वो रेगुलर यूज करते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल ऑयल भी आप यूज करते हैं, जब आप रेगुलर किसी चीज की केयर करते हैं ना तो वो बेहतर होती जाती है। तो वो ये प्रोडक्ट तो काम करती है लेकिन आपको बहुत ज्यादा रेगुलर रहना पड़ता है इसमें। लेकिन आपके सैलून में तो ऐसे नहीं होता ना, नहीं भी लेना कस्टमर ने तो बस ये आप लेके नहीं, नहीं नहीं मेरा स्टाफ भी ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, हम लोग चीजें अपने जो यूज करते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं, अगर किसी ने बाय करनी हो तो कर ले, नहीं तो नहीं करे। शी इज वेरी फ्रेंडली एज आई सेड एंड शी विल ऑलवेज गिव यू द राइट एडवाइस, बट नेवर एक होता है ना जाके बहुत ज्यादा भी वो करना, एक बड़ा नपे तुले अंदाज से मोहब्बत से बात करना। तो मैंने यही कहा कि मैं आपकी इस चीज की जरूर तारीफ करूंगी, लोग सर्विसेज की तारीफ करते हैं, लोग चीजों की तारीफ करते हैं, बीइंग अ पर्सन जो आप बीइंग अ ओनर ऑफ सैलून, खुद जाके आप लोगों से क्लाइंट से डील करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सैलून में जाते हैं हमें ओनर्स नजर नहीं आते, लेकिन मैंने साइमा के साथ देखा ये खुद प्रैक्टिकली क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होती हैं। इनका बड़ा अच्छी बात है क्योंकि मेरा पैशन है ना ये, तो मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं करती, कि जो पेशन होता है ना अगर वो प्रोफेशन बन जाए। एग्जैक्टली मैं कहती हूं उसकी तो बात ही है, सर्विसेज से लेकर रिसेप्शन से लेकर मैंने हर जगह मैंने साइमा को देखा, मैं बहुत चाहती थी सारे काम खुद भी करती हूं। अब हम भी आपको देखने आने वाले हैं, भी मेरा ने आपको बहुत देखा है जरूर। हाँ जी। अच्छा तो अभी हम लोग कर रहे थे रैपिड फायर, ठीक है, रैपिड फायर भी नहीं बल्कि उससे पहले ट्रूथ एंड डेयर। रैपिड फायर तो सनिया जो है, सामिया जो है वो आपके साथ खेलेंगी, लेकिन आप स्टार्ट करें उधर से पहले, क्योंकि वो जो हमारे दो गेस्ट है ना एग्जैक्टली तो वेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है। रैपिड फायर हमने अभी नहीं, हम ट्रूथ एंड डेयर हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने इन गेस्ट से खेलना है और फिर अपने इन गेस्ट की तरफ आएंगे। अच्छा, तो आप लोग चलिए ट्रूथ में डेयर आप, ठीक है ठीक है। और रैपिड फायर के अंदर ये होगा कि हम जल्दी जल्दी आपकी तरफ क्वेश्चंस फेंकेंगे, आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है ठीक है जवाब देने के लिए, और आप लोगों ने जवाब देना है, ज्यादा सोचना नहीं है, सोचेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी और फिर पनिशमेंट भी पूरी करनी है, ठीक है। ओके डन, आर यू गर्ल्स रेडी? यस ठीक है। ईद की फिर हो जाएगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं सदफ से, ठीक है। अच्छा सदफ तो आप क्या लेंगी, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ।
चोट लेगी। अच्छा फिर तो मैं फिर पूछती हूँ कुछ। अच्छा कोई सेलिब्रिटी बताएं कि बचपन की पहली मोहब्बत, सच्ची वाली मोहब्बत। सलमान खान बचपन की और नहीं, मैंने कहा कोई सेलिब्रिटी नहीं, नहीं वो बताएं जो हुई बचपन की मोहब्बत। नहीं सलमान खान। अच्छा मेरे बचपन की मोहब्बत मेरे माँ बाप है और आई थिंक दैट्स वन लव दैट विल नेवर एवर डिमिनिश। और सेलिब्रिटी का पूछे ना मेरे से सलमान को सलमान खान और रिचर्ड गेयर एक्चुअली आई डोंट नो लोगों के चेंज होते हैं आइडियाज लेकिन मैं बचपन से आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5 उस दिन से लेके आज तक मुझे ये दो एक्टर्स बहुत पसंद। वैसे इन्होंने सलमान खान का नाम ले लिया तो मैं भी बताऊं कि वाकई में वो जो थे ना उनका वो जो गाना होता था मुझे याद है ओ जाने जाना वो जो होता था आई थिंक इज और बहुत फनी गाना रीप्ले करके उसको चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हर गाना उनके ना ऐसा था। सलमान खान की कोई मूवी भी बोरिंग नहीं होती, इट्स ऑलवेज फन, इट्स फनी और आप ना बोर नहीं होते उसकी मूवीज में, फैमिली वाली और वल्गैरिटी भी नहीं। आई रियली लाइक सलमान खान, आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर। एंड देन रिचर्ड गेयर हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एक्टर में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है शुरू से। आई थिंक इज अ वेरी कंपोज्ड वेरी मैच्योर काइंड ऑफ एन एक्टर। लोगों को ब्रैड पिट के क्रेज होता है लेकिन मुझे कभी ब्रैड पिट का क्रेज नहीं हुआ। मुझे हमेशा से ग्रेगरी सॉरी रिचर्ड गेयर और ग्रेगरी पैक ये दो एक्टर्स थे जो यू नो दे वर ऑलवेज लाइक यू नो द गॉड फॉर मी एंड एट दोज टाइम्स अंटिल नाउ। ग्रेट भाई, चलें जी उस्मा रिस्वाना की तरफ आते हैं। जी रिस्वाना आप क्या लेना चाहेंगी, ट्रूथ या डेयर? डेयर चूंकि मैं कहती हूँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे तो ऑब्वियसली डेयर ही होगा। अच्छा मैं पूछूँ आपसे डेयर? अच्छा डेयर आपसे किसी की आप कॉपी कर सकती है, मिमिक्री कर सकती है किसी स्टार की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप ये नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, तो डेयर के अंदर मैं ही ऐसी चीज सोचूं कि जो ना बैठ के की जाए, ठीक है? तो इसके अलावा डेयर में जैसे मैंने कहा था कि कोई आप एनिमल की वॉइस निकाल लें, कोई गाना गा लें, बट गाना इज लाइक यू नो वेरी इजी थिंग फॉर यू, डेयर वो होगा नहीं। तो डेयर में फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप कोई अगर जबरदस्त सा हमें एनिमल की आवाज निकाल के सुना दे लेकिन सुरीलेपन के साथ, ऐसा सुरीलापन के फील ही ना हो कि आपने क्या क्वेश्चन दिया है वो है ही सुरीली, ये वो दसवां सुर हो ऐसे लगे वो सुरीली है तो सुरीली ही आवाज निकलेगी। मियाऊ बड़ी सुरीली बिली थी। सही बात है, सही बात है, पूरा रियाज किया, सही बात है, ये पान भी खा के सुर संगीत के साथ है ये। तो हाँ जी अभी हम वापस जाते हैं हुमैरा की तरफ। हुमैरा अच्छा ऑब्वियसली ये ट्रूथ है डेयर था लेकिन रैपिड फायर है, ठीक है? तो आपने जल्दी जल्दी इसके जवाब आते रहे, ठीक है? अच्छा फेवरेट कलर? ब्राउन। फेवरेट एक्टर? हुमायूं सईद। फेवरेट एक्ट्रेस? इतना टाइम आयशा। अच्छा फेवरेट एक्ट्रेस पे उन्होंने काफी टाइम लिया शायद एक्टर पे बिल्कुल नहीं लिया, एक बचपन से ज़हन ज़हन के अंदर और चल रहे। अच्छा फेवरेट रिश्ता सास या नन? सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी साहिबा हम जल्दी से आपकी तरफ जाते हैं। फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट आपका रिश्तेदार? फूफू चाचू मामू क्या है मतलब रिश्तेदार नहीं एज इन एक्सटेंडेड फैमिली? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लगता है कि इसके ऊपर सोचना पड़े, पर हम आपको टाइम देते हैं सोच के बताएं। बहुत लड़ाइयां हो जाएंगी बहुत लड़ाई हो जाएगी। अच्छा चले चले हम ये पूछ लेते हैं कि फेवरेट सीजन? फेवरेट सीजन समर। समर अच्छा और क्यों? सैलून की सर्विसेज में मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन सैलून में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है सर्विसेज? हेयर स्टाइलिंग, ठीक है जी साहब। आप ओवर टू जी सदफ, आपसे पूछूं मैं रैपिड फायर पूछूं क्या पूछूं मैं कुछ पूछना रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जो आपके दिल में चले। वो एक्ट्रेस जिसको देख के आपका दिल करता है टीवी ऑफ कर दूं? सोचना नहीं है लेकिन मैं नाम एकदम मेरे मुंह में आ रहा है लेकिन आप कोई माइंड ना कर दे। नहीं नहीं प्लीज आप बताइए। मीरा। मीरा अच्छा मैं आपको पर्सनली बताऊं
मीरा इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन. मैंने उससे उनसे पर्सनली दो दफ़ा बात की है. वो बहुत अच्छे तरीके से उर्दू बोलती हैं, इंग्लिश बोलती है. मीडिया ने उनका ऐसा इमेज बना दिया है, ये सेल होता है, जिसकी वजह से वो उसको कैरी करती है. अदरवाइज शी इज अ हम्बल एंड शी इज वेरी एजुकेटेड लेडी. फेवरेट ड्रामा? ड्रामे एक्चुअली मैंने लाइक आई टोल्ड यू मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन तन्हाइयाँ वॉज वन ड्रामा, या धूप किनारे, वो उस टाइम के जो ड्रामे हैं जब हम छोटे थे वो बहुत अच्छे ड्रामे थे. एंड आई रियली विश एंड होप कि अब इस तरह के ड्रामे बने. आई डोंट नो अब आजकल क्या बन रहा है, लेकिन एक बात को पाकिस्तानी ड्रामाज जो है ना, मैंने देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे तो ड्रामाज ही बेस्ट हैं. अभी आजकल वो एक ड्रामा चल रहा था, वो भी इतना अच्छा गया. मतलब मैं कहती हूँ ड्रामाज अच्छे हैं, हम बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल. लेकिन पागल खाना अच्छा ड्रामा चल रहा है आजकल. अच्छा आजकल की जनरेशन मुझे वैसे भाई अच्छा लगा, मैंने वही देखा. मैं भी आजकल ड्रामा एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के ड्रामों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है, यू नीड टाइम आल्सो. सो आई थिंक इन दैट वे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है. फेवरेट मूवी मैं पूछूंगी नहीं, ऑल ऑफ सलमान खान. अमिताभ बच्चन की मुझे बहुत पसंद है मूवीज. आई थिंक उसकी पुरानी जितनी मूवीज है मैंने सब देखी हैं. he was one of the finest actors the Indian industry has produced. और पाकिस्तान की भी कुछ movies बड़ी अच्छी हमारी निकली थी, जिनके नाम मुझे याद नहीं है, बट कुछ अच्छी भी थी. And favorite song? Favorite song तो मेरे बेतहाशा हैं. You have to go in my Spotify list or my YouTube list, क्योंकि मुझे रोज ही नया गाना अच्छा लगता है. मुझे हर म्यूजिक पसंद है, मुझे पर्शियन म्यूजिक, मुझे अरबिक, मुझे इंग्लिश, मुझे उर्दू, मुझे लैंग्वेजेस मुझे क्यों नहीं आती. बिकॉज़ आई लव ऑल. आई फील जेलस. नहीं, इसमें जेलसी की बात नहीं है, इतनी लैंग्वेज की बात है. आपको क्या पसंद है, यू नो. तो एनीथिंग दैट, जैसे मैं टर्की गई थी तो मैंने टर्की में एक गाना सुना, मुझे इतना अच्छा लगा कि देन यू नो आई जस्ट मेमोराइज्ड इट. वो यही होता है, टीचर्स हमारी कहती थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा. आई थिंक इट्स अबाउट म्यूजिक. या It's about so music. I love music. अच्छा सर, तब there was a time कि एक song होता था और हमारे बड़े सुनते थे और वो forever के लिए songs हैं वो वाले. अभी songs आते हैं, वो 1-2 months चलेंगे, उसके बाद वो out हो जाएंगे. मतलब बहुत अच्छी बात है. और वो जो पुराने songs हैं वो अभी तक लोग सुनते हैं, उन्हीं को वो मतलब वो ऐसे इतने अच्छे लगते हैं. इसकी क्या रीजन है, क्या कहोगी? अब जो गाने हैं ना, they are commercially made. इतना एक टाइम पे इतना लाउड म्यूजिक होता है, एक टाइम पे छनकार आ जाती है, एक टाइम पे. सो पहले पहले ये होता था कि देयर वाज अ सॉफ्ट म्यूजिक, स्टेबिलिटी टू दैट म्यूजिक. जैसे कि केएल सेगल से लेके आप देखें लता मंगेशकर, ये क्यों इमॉर्टल्स हैं, क्योंकि नूरजहां, लता, मेहदी हसन, मैं कहती हूँ इनके सॉन्ग्स तो अभी भी हम सुनते हैं. मतलब ये इनके गाने आप सुन सकते हैं फॉरएवर एंड एवर एंड एवर. रिजवाना माइंड ना करना, उन्होंने नाम इतने खूबसूरत ले लिए हैं ना कि मैं कहूंगी थोड़ा सा उनका गुनगुना दे. उन्होंने पश्तो बोला है कि तो फिर मैं एक पश्तो गा देती हूँ. मुझे ब्यादे पजुफान के, ब्यादे पजुफान के अशना गुलु नवेनुमा, तोर तोर शपो के जरा गिन खबूर नवेनुमा. क्या बात है जी. और हुमैरा को तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. हुमैरा को तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, भाई वो एक पठान बैठी हुई है हमारे पास. ये तारीफ है, एक वो महबूब अपनी महबूबा की तारीफ कर रहे, तो मैंने इनकी महबूब बन के महबूबा. थैंक यू सो मच. क्या बात है भाई, बहुत आला. तो लता कभी अपने, हाँ मैं तो वैसे यही चाह रही थी, कोई मेहदी हसन लता का. अखियों के चेहरों को, माय फेवरेट सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग. मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके चेहरों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के चेहरों को. आपने मेरा फेवरेट सॉन्ग कहा. थैंक यू माशाल्लाह. नॉट जस्ट द वॉइस बट लाइक मेरा स्टार्टिंग करियर पाकिस्तान टेलीविजन से था,
और माशाल्लाह से सन 2000 से बाय स्टार्टिंग करियर फ्रॉम पीटीवी हेडक्वार्टर और इस बार मेरा नाम माशाल्लाह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए गया। थैंक यू और रेडियो पाकिस्तान में एज ए ऑफिसर 17 ग्रेड पे मैं म्यूजिक अरेंजर हूँ, अभी प्रमोशन हुई है। थैंक यू सो मच। हमारे मुल्क की लेडीज बहुत मेहनत। थैंक यू सो मच। अब आज मुझे लगता है कि मैं घर जाऊंगी ना तो जो मर्द हजरात है ना मेरे घर के वो थोड़ा सा कहेंगे ईद ले लो आज अपनी। ईद आपकी फैमिली तस्वीर में कायनात नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, देखिए दोनों ही बराबर की इक्वली उनका पार्ट अपना प्ले करते हैं दोनों ही, तो सभी मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं है। आप दिल छोटा मत करें। कहते हैं कि दो गाड़ी के पहिए हैं, एक भी टायर अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा जो मफलूज हो जाएगा, तो ये बड़ी सही बात है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ट्रू। और जी इसके ऊपर फिर हम लोग वापस चलते हैं अपने हम हुमैरा की तरफ और इनकी तरफ। कोई ऐसी अपने दिन की रूटीन बताइए, ईद के दिन की रूटीन, और स्पेशली जो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पसंद है पूरे दिन की वो भी बताइए। अच्छा, ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग क्लोज टू द पेरेंट्स, तो हमारी सबसे जो भरपूर एक्टिविटी यही होती है कि पेरेंट्स के घर जाना है, तो ईद का फर्स्ट डे मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ। अच्छा, यूजुअली सेकंड डे जाते हैं सब? नहीं, मैं फर्स्ट डे, क्योंकि गरीब में है तो फिर पहले दिन कहाँ रहा जाता, तो फर्स्ट डे। अम्मी का भी, अम्मी लोगों का भी होता है कि वो लंच अरेंज करते हैं, तो हम सब बहन भाई वहाँ पे अम्मी लोगों के घर इकट्ठे होते हैं, तो हमारा फर्स्ट डे का एक्टिविटी यही होती है। जबरदस्त, और इसलिए मैं फ्री ऑफ किचन, फ्री ऑफ एवरीथिंग होता हूँ, तो मेरे जहन में ये होता है बस अम्मी की तरफ जाना है, वो बड़ा अच्छा एक दिन होता है। सही, दावत तो उधर बढ़ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसी क्या रवायती पकवान है जो कि आप लोग के घरों में समझा जाता है कि ये डिश पकती है तो पता होता है कि ईद वाकई आ चुकी है? बीइंग अ पठान, ऑब्वियसली जिस तरह आयशन भी पठान है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा गोश्त खोर होते हैं। हाँ। मतलब पुलाव होना चाहिए, पुलाव, काबली पुलाव, काबली पुलाव नहीं, पुलाव। अच्छा, नॉर्मल मटन पुलाव। हाँ, एक जिस तरह मटन पुलाव हो गया, या फिर आपने कभी पेशावर में कभी पुलाव खाया है जिसमें चना और मेवा वगैरह भी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हम भी बस पेशावर में बहुत रहे हैं तो पता है। एक तो बनू पुलाव भी होता है ना, बनू बीफ पुलाव होता है। हाँ, बिल्कुल बीफ पुलाव होता है, लेकिन जो पेशावर का जो मेन होता है वो मेवा और चने। हाँ बिल्कुल, वो दोनों चीजें उसमें होती है, तो वो तो बनती ही बनती है। इसके अलावा हम लोग, अम्मी लोग बनाते हैं कढ़ाई, जिसमें मटन कढ़ाई होगी या चिकन कढ़ाई, यानी कि गोश्त का ज्यादा एलिमेंट उसमें शामिल होता है। तो बस यही है। साइमा, आप बहुत खामोश हैं, बताएं क्या आज बना के आई हैं या जाके बनाना है? मेरा भी फर्स्ट डे कुकिंग का डे नहीं होता, क्योंकि फैमिलीज काफ़ी हैं, तो कहीं लंच होता है तो कहीं डिनर होता है। मज़े है भाई। तो फर्स्ट डे फिर ये होता है कि हमने सारी फैमिली की तरफ जाना होता है। सदफ ने तो काफ़ी बता दिया कि जी मैं काफ़ी कुछ बनाती हूँ। मैं तो, आपको पता है कि साइमा, इट्स माय पैशन, कुकिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई लव, तो इसलिए मुझसे आप जो कुछ मर्जी बनवा लें। और शाम में अम्मी की तरफ होता है खाना, फिर वो यही बात है हुमैरा वाली के शाम के लिए आप ना बिल्कुल वो होते हैं कि यू नो तैयार होके सुकून से अम्मी के घर जाना है, सो नो हैसल, नो नथिंग। लेकिन क्योंकि रमजान एकदम खत्म हुआ होता है ना, तो आप एक मील जो खा लेते हैं, यू आर सो फुल बाय द इवनिंग कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप और कुछ खाएं। तो यू नो बस इस तरह माशाल्लाह, लेकिन ईद की एक अपनी एक रौनक है, एक अपनी खुशी है। और आई थिंक अल्लाह ताला सब को माँ बाप सलामत रखें, क्योंकि माँ बाप के साथ जो ईद है और अपने बहन भाइयों के साथ है, उससे अच्छी ईद। मैं सतप यही कहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, बिलीव मी, वो जब चले जाते हैं ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि आपने क्या खोया है। एग्जैक्टली, तो अपनों के साथ ईद मनाएं। और ये जो आपने पूरा मंथ जो हम सीखते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट आज के दिन नहीं, हमेशा के लिए करें। थोड़ा सा मैं आज कहना चाहूंगी पैलेस्टाइन के बारे में, कि आज जो हमारे फिलिस्तीनी बहन भाई हैं, वो बहुत सारी चीजों से महरूम है ऐसे ही। और वो बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, और पिछले 50 दिन उनके लिए क्यामत खेज दिन थे, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना इस ईद पे, बच्चों को भी हम थोड़ा सा अवेयरनेस दें कि अपनी ईदी में से कुछ सेव करके और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और ये फॉरएवर के लिए उनमें आना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, हमने इस रमजान में यही सीखा, इबादतों से हमने यही सीखा, कुरान की तफसीर से हमने यही सीखा कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, हमें खुशियाँ बांटनी कैसे हैं। तो वो इम्प्लीमेंट करने का दिन आया है, तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ ईद के दिन ही ये करना है, फॉर एवर करना है। और अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं या
जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके बारे में सोचे, तो वही बातें मैं वही हम अपने घर से पहले स्टार्ट करें, जैसे अभी कहा कि बच्चों को पहले बताएं कि जब रिस्क है तो उसकी वैल्यू बताएं, ठीक है। हमारे अक्सर हमने देखा है अक्सर हमारे घरों में आजकल बच्चों को उतनी वैल्यू नहीं होती है, वो चीज़ को वेस्ट कर देते हैं खाया, और उन्हें बताएं कि इसकी क्या वैल्यू, उन्हें पैलेस्टीन की वो वीडियोस दिखाएं कि ये देखें बच्चे कितना वहाँ भूख से और उससे वो करें। तो हमें ईद के दिन उनको याद है कि आजकल ना सोशल मीडिया के दौर में बच्चे हमसे ज्यादा अवेयर हैं। मेरी बेटी है 11 ईयर की, वो मुझे ला के दिखाती है कि मामा देखें ये किस तरह से कर रहे हैं, और बेटा का भी यही होता है, यानी कि वो भी इसी तरह इन्वॉल्व है। ये तो ब्लेसिंग है सोशल मीडिया के, बच्चे जो है ऑटोमेटिकली इस चीज से अवेयर है, उनको रियलाइजेशन अच्छी बात है। देखिए पॉजिटिव थिंग्स भी है ना इसकी, इवन को बॉयकॉट किए बच्चों ने इस दफा, बच्चों ने ज्यादा किए और हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बिल्कुल सदा लाइक मेरे बच्चे भी यही कहते हैं मामा मैकडोनल्ड नहीं जाना, मामा केएफसी नहीं जाना, बिकॉज ये तो वो है, एक ट्रेंड चला है और उस पर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल्स हैव मेंशनड अबाउट इट। देयर इज अ यूनिवर्सिटी की बहुत एक वीडियो मशहूर IBA, अब ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि दे आर वेरी मॉडर्न एंड यू नो द किड्स डोंट केयर और वो अपनी ज़िंदगी में लगे हैं, बट एक्चुअली उन लोगों ने देर वॉज अ ब्रांड जो हमारी कोक ब्रांड है उसका कोई वहाँ पे स्टेज के ऊपर डिस्प्ले हुआ, कुछ उन्होंने प्रोग्राम दिखाने की कोशिश की, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गॉट अप एंड गेट आउट गॉट आउट फ्रॉम दैट हॉल, और ये वीडियो इतनी मशहूर हुई है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पे है। तो आपको ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हर जगह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो है ना कि हम बैठ के बोल रहे हैं तो हम साथ कर नहीं पा रहे, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग दैट इज मेकिंग यूथ है ना वो बहुत टैलेंट अवेयर है, टैलेंटेड भी बहुत है, उनको पता है कि हमने करना कैसे है, क्या करना है। सामिया मैं मोटिवेशनल टॉक्स के लिए जाती हूँ और जो मुझे खुशी जवान बच्चों और बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करके मिलती है, क्योंकि वो इतने दे आर सो कॉन्शियस अबाउट सो मेनी थिंग्स जिनका हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपनी उम्रों में जब हम छोटे थे, आप लोग तो हमसे बहुत यंग हो गए, लेकिन व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज हमारे लिए सोशल मीडिया इतना ज्यादा था ही नहीं कि हम उसको चीज को वो करते, लेकिन जो हमें पता था ना वो बड़ा एक ककून में पता था। अब जो है ना यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो पहली चीज हमने अपने यूनिवर्सिटी में मैंने जाके सीखी थी, हमारे प्रोफेसर कहते थे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो जो नाइकी का आई थिंक वो लोगो आया था, तो वो कितना जबरदस्त एक ट्रेंड था कि नाउ दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और उनको एग्जैक्टली पता है व्हाट दे वांट टू डू। वो बच्चे अपने संडे सैक्रिफाइस करते हैं, वो बच्चे अपने मतलब अपना चॉइस की चीज़ पे उठते हैं, दे मेक थिंग्स हैपन, और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ आवर जनरेशन और मुझे बहुत होप है इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना इट्स गोइंग टू गो बैक अप इंशाल्लाह। जी आज ईद का दिन है, हम सब दुआ करते हैं इंशाल्लाह ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान ये इसी तरह हंसती मुस्कुराती ईदें देखता रहे, बल्कि हम हैं ही अपने मुल्क की वजह से, हम हमारा मुल्क है तो हम एग्जैक्टली हाँ ईदें जैसे कि आप लोगों ने सब ने कहा मुश्किलात भी आती हैं और सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ईद रमज़ान के बाद एक ऐसी अदिया है कि यू हैव हैप्पीनेस एंड देर इज़ इवेंचुअली अ सन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो अच्छा ये तो हम लोगों ने बहुत सारी एक मोटिवेशनल भी बातें की जो कि ज़रूरी भी थी, ईद की भी थी, इसके साथ साथ हम फ़लस्तीन की तो बात करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, ये भी देखिए कि आपके जो अगला घर है वहाँ पर किसी को ज़रूरत तो नहीं है, जो ये गरीब बच्चे हैं जो मांगने वाले कूड़े उठाने वाले बच्चे हैं, क्या आप इनके साथ भी कोई अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा वसीला है वहाँ तक तो हम जा सकते हैं। तो उनको भी अपनी खुशियों में याद रखिए, उनके साथ भी देखिए, और सबसे बढ़ के अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो जो मुस्कुराहट है ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है, ठीक है। तो कोई अगर आपको लगता है इस पे खामोश है तो नहीं कहते कि मुस्कुराहट सदका है, सबका है जारिया है। तो अगर आप समझते हैं कि कोई परेशान है, अगर आप समझते हैं किसी का कोई प्यारा फोत हो चुका है, अगर आप समझते हैं कि कोई भी किसी भी डिप्रेशन से या मुसीबत से गुजर रहा है, तो ईद उनके साथ मनाइए और उनके लिए भी ये मुस्कुराहटें जो है फैलाइए, ये आपकी ईद को और खूबसूरत बनाएगा, ये आपसे वादा है। तो अभी हम चलते हैं साइमा की तरफ, क्योंकि हमने कुछ तो डिटेल्स हमने ले ली थी उमैरा से, कुछ बातों में लग गए, अब हम एक एक करके पूछते हैं क्योंकि टाइम भी कम है, हमने एक सॉन्ग भी बड़ा सुनना है और उसके बाद से कंक्लूजन की तरफ भी जाना है, भाई जाके भी तो ईद मनाना है ना, घर वालों ने तो घर से ही निकाल देना है हमें। ये रोज वाले हमारे रोज न्यूज के जो व्यूअर्स हैं हमारे घर जैसे वाले जैसे, लेकिन असली घर वालों की तरफ भी जा रहा है। तो साइमा आप बताइए आपकी क्या एक्टिविटी होती है फॉर द होल डे? सुबह तो पहले तैयार होके बच्चों को तैयार करना, हाँ अब तो खैर बच्चे मैरिड हैं तो जरूरत नहीं होती,
फैमिलीज में जाना और सबको मिलना, यही होता है। हाँ जी, सारा दिन यही होता है, सारा दिन आपका ये होता है। सबसे जो एक जैसे उनसे डिश पूछा, ऐसी क्या डिश है जो कि आप समझते हैं कि पकी हो तो लगता है कि ईद? निहारी। निहारी, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ऐसी चीज खाने से मतलब वो हेल्दी फिर भी नहीं हुई है। हाँ, सही बात है। जैसे उन्होंने क्या बताया, कैलोरीज इनकी नहीं वो हुई है। बात है, कैलोरीज उस तरह से नहीं होती है, मेंटेन रखा है काफी, मेंटेन रखा है। वैसे भी सलून में आपने सुबह से शाम तक खड़े होना होता है, तो वो वैसे भी आपकी लेजी वाला जो एक जिंदगी का लाइफस्टाइल है, लेजी नहीं हूं। हां जी, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब सदफ की तरफ आते हैं। सदफ, सारे दिन का कुछ बताइए, ईद का क्या आपकी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटी ये होती है जी, सुबह उठ के लाइक वी गो फॉर नमाज, और मेरे घर के पास मस्जिद जबले नूर है, तो वो उसके लिए हम जरूर जाते हैं नमाज के लिए, हम औरतें भी और मर्द भी। और नमाज के बाद हम लोग माशाल्लाह, मेरे सास ससुर के साथ मैं रहती हूँ, तो सब हमारे घर ही आते हैं, मेरे हस्बैंड के सारे चचा वगैरह भी, मामू खाला सब हमारी तरफ खाने पे आते हैं। हाँ। और मेरी नंद भी। और फिर उसके बाद माशाल्लाह शाम को 4-1 बजे तक तो खूब रौनक रहती है, फिर जब सब डिस्पर्स कर जाते हैं, ईदियाँ बढ़ चुकी होती हैं सबके, तो फिर हम ये करते हैं कि हम लोग मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद तैयारी करती हूँ अपनी मम्मी के घर जाने की। तो बाय द टाइम मेरे पेरेंट्स जरा टाइमली खाते हैं और ज़रा अर्ली ईटर्स है, तो हम तकरीबन 7:30 बजे तक मेरे अब्बू के फ़ोन आने शुरू हो जाती हैं कि बेटा कहाँ हो, तो बस फिर उसके बाद उनकी तरफ जाके थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं, ईदियाँ शिदियाँ वसूल करते हैं, और फिर घर आके थक चूर के सो जाते हैं, एंड गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। जबरदस्त, गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ द ईद दैट यू हैव शेयर्ड इन द वेरी कंसाइज मैनर। यस। सो रिजवाना, आपका क्या है एक्टिविटी? ज़्यादा तो जैसे इन्होंने बताई है, वैसे अमूमन हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं और सोशल, हमें तो घर का मैनेज करके लेके चलना होता है, लेकिन फिर सेकंड डे थर्ड डे भी हमें चैनल्स के लिए जाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग्स के लिए, कभी लाइव शोज़ करने पड़ते हैं, और तो फिर बस ऐसे गुजर जाता है। लेकिन वो सारा साल तैयार हो के वैसे मुझे ईद पर कम ही तैयार होना अच्छा लगता है। मैं ईद पर ज़्यादातर, मुझे बच्चे कहते हैं आप तैयार हो, लेकिन रियली कि मेरा पर्सनली यही होता है कि मैंने तैयार नहीं होना, और मैं ऐसी ईद गुजरी भी हैं कि जिसपे मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे ये बिल्कुल ऑपोजिट है रिजवाना का, मैं वैसे तैयार नहीं होती ईद के लिए, हम लोग जरूर तैयार। रिजवाना देखिए, हमने आज चेंज कर दिया, हमने आज आपको ईद के दिन भी तैयार कर दिया। वो मुझे चैनल वालों का बहुत शुक्रिया, गाने भी सुन रहे हैं उन्होंने, मेरा वो एक ट्रेंड चेंज कर दिया कि मुझे बुलाया, और फिर मैंने वो आज मेरी वो एक जो रिवाइव थी वो तोड़ दी है चैनल वालों ने, जो मैंने आज तैयार हुई हूँ आप लोगों के लिए, और बड़ी स्पेशल तैयार हुई हूँ। जी, तो अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम आपके साथ इसी तरह ईद मनाते रहेंगे। टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, हम कर रहे थे चिट चैट अपने प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ। तो जी उस्मा जी, तो क्या है ईद का दिन, ईद का वलवला? भाई मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा, सदमिया मुझे तो याद आ रही है, ईदियाँ और खाने और ये सारी चीजें, मुझे कह तो रही मेरे स्प्रिंग खुद भी लगे हुए नहीं। हाँ हाँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हम लोगों के मेहमान जो है ना, इन लोगों ने रंग भर दिए हैं, खूबसूरत समा है, माहौल है जो कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी खूबसूरत समा और माहौल में हमें इर्द गिर्द देख के लग रहा है कि कुछ मौसीकी हो, कुछ सिंगिंग हो। देखो रिजवाना जो आपको इतना खूबसूरत गाना सुना कर गई है, प्रोफेशनल सिंगिंग तो एक तरफ, लेकिन जो एक इंजॉयमेंट वाली हमारी सिंगिंग है वो सब हो। तो गर्ल्स आर वी रेडी? यस। ये यस जरा जोर से आ रहा चाहिए। गर्ल्स आर वी रेडी? यस। कौन सा सॉन्ग होना चाहिए? कौन सा सॉन्ग होना चाहिए? सॉन्ग आई थिंक हम लोग कोई भी कर सकते हैं, बस सबका साथ में होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जुनैद जमशेद? गर्ल्स, यस। व्हाट अबाउट कोको कोरीना? कोको कोरीना, ओके। तो हम लोग ये गाना गाते हैं, जबरदस्त चॉइस सदफ, तो सबने मिलके साथ देना है, और हम सारे आपको अपनी खूबसूरत बिल्कुल नहीं आवाजों में आपको गाना सुनाने वाले हैं, ताकि आप इंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। मेरे ख्यालों में चाली है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना,
कोको कोरीना जीव गहरी आंखें उसकी भूल सा जिसका चेहरा नाली जुल्फे नागन बन के देखी है जिसपे पहरा जीव गहरी आंखें उसकी भूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फे नागन बन के देती है जिसपे पहरा तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना ये जो भी कर रही होगी आपने हमारे साथ रहना है और कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि ये एंजॉयमेंट हम लोग साथ साथ कर रहे हैं. एक और गाना गाएंगे लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक टैलेंट हमारे साथ बैठे हैं जो कि बहुत अच्छी खूबसूरत नज़्म हमें सुनाना चाहेंगे. तो हुमैरा ओवर टू यू. यस यस यस. मेरे पास एक पोएम है. मेरे हस्बैंड जो है ना वो पोएट है. उनकी हॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं. तो वो ईद के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी एक थी तो मैं शेयर करना चाहती हूँ. इरशाद है सयाम का अख्ताम हुआ ईद आई इस नौ बहार में नवीद आई खुले गुल खुशियों का बोलबाला हो हम सब के दरमियान सईद आई इलाही सलामत रख सबको इस चमन में हो मुबारक घड़ी जब वजह तरसील आई. क्या बात. दुआ यही है रोज़े हों कबूल कुछ यूँ जहाँ बाबर रियान में दाखले की तमसील हुई. ब्यूटीफुल. क्या खूबसूरत बात है. ये आपके हस्बैंड ने लिखी है. उनका तखल्लुस जो है वो यूसफी है. वैसे उनका नाम डॉक्टर मुमताज यूसफी. शाउट आउट टू यू डॉक्टर मुमताज यूसफी साहब. वेरी नाइस पोएम आपकी वाइफ ने इतनी मोहब्बत से पढ़ी है. वाइफ सुन लेना कोई बात गौर से समझ जाए. पूरे नंबर होते कि बाकी से गौर से सुन के दिल में भी बिठा ली. ऐसी चीज जो होती है दुनिया में नापैद होती है तो वो है. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोएम. और हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे और भी ऐसी नज़में सुनते रहें. जी वेरी ब्यूटीफुल. हमारे पास तो अभी पोएट आ गए हैं जी और हम अक्सर अब सुना करेंगे. ब्यूटीफुल क्राई के पोएट है वो. असल में तो पीछे से शायरी आ रही है लेकिन हम पसंद कर रहे हैं. ये पोएट की फेस वैल्यू है. असल में कोई और है जिसकी सब है. तो बहुत खूबसूरत. तो कोई शायरी और शेयर करना चाहे. मैं यही कहना चाहूंगी इनकी वालदा भी माशाल्लाह. माशाल्लाह. और उनका जो तसन्नुफ है मुसर्रत अजहर मेहर के नाम से करती हैं. वाओ शाउट आउट टू यू मुसर्रत. मुसर्रत अजहर मेहर. मैं उनकी एक पोएम यू मेरे सामने है तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ. श्योर प्लीज. अर्ज किया है दिल बेखबर कुछ खबर भी है. क्या तेरा वस्फ खास तो सबर भी है. तेरा वस्फ खास तो सबर भी है. फिर ये शिकवे आहवाजारियां क्यों. ये शिकवे आहवाजारियां क्यों. तुझे आशती का समर भी है. वाह नाइस. तेरी दिल लगी बड़ी दिल नशी तेरे वास्ते कुछ सफर भी है. तेरे वास्ते कुछ सफर भी है. तेरी मंजिल इश्क के मुंतजर मगर रास्ते में कब्र भी है. रास्ते में कब्र भी है. है तवील तर तेरा रास्ता तुझे सोचना ये मेहर भी है. क्या बात. क्या बात जी. मुसर्रत आंटी अभी आप हमें तसल्लुक जो है. अच्छा एक मुसर्रत आंटी के लिए ईद मुबारक. सबको आप वेरी ब्यूटीफुली रिटन जिसमें उन्होंने चूज कर दिया है दुनिया के का सफर जो. नहीं नहीं मैं तो माशाल्लाह आंटी से मिली हूँ और इतनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है. उनकी एक घंटा में मेरा गुजरा मुझे पता नहीं चला. माशाल्लाह शी इज सो नॉलेजेबल. बस फिर जोरिया हमें चाहिए था उनको बुलाते घंटे. हाँ. का पता ही नहीं चला. आप उनके साथ बैठेंगे ना तो आपको फील नहीं होगा कि निकाल रही हूँ. जरूर आ गई. हाँ जी जी. तो ये भी उनकी एक और कलाम है. बल्कि आप सबसे सवाल भी है ये एक. क्या मोहब्बत शराब है लोगों.
क्या मोहब्बत शराब है लोगो, एक रंगी हबाब है लोगो, एक रंगी हबाब है लोगो, हबाब इज द हिजाब, हिजाब गर हो खालिस तो इसके क्या कह दे, गर हो खालिस तो इसके क्या कहने, वरना पूरा अजाब है लोगो। जबरदस्त जबरदस्त, जोहरिया ने बता दिया भी मोहब्बत क्या है आज की जो शायरी है, कौन झूठी बुनियाद गर हुई इसकी फिर तो खाना खराब है लोगो, कुव्वते ताकते आरजी इसकी इम्तिहान ये शबाब है लोगो, हाथ जिसके इल्म इमामत का आपका वो जनाब है लोगो, कोई रिश्ता ना कोई नाता रहा आज यौम हिसाब है लोगो। Very, very well, very beautifully very well written. And the choice of word is impeccable. And you must give her record. और उनको आपका कहना है कि उन्होंने special show पे आना है हमारे सुबह। I think she stole the show today. She did beautiful शायरी और देखिए और मुमताज भाई ने भी, तो हमारे दो गायबाना शायर जो हैं उन्होंने इनका गायबाना तारुफ हुआ है। पोइट का एक अपना तखल्लुस और अपना स्टाइल होता है, ठीक है, और उसकी डेप्थ में वो ही समझ पाता है जो कि ऑब्वियसली जितना उसको गौर करता है, जैसे उनका था इट इज अ वेरी लुक्रेटिव, और आप ये कह सकते हैं कि जैसे ना क्या उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर ना वलवला होता है, जोश होता है, तो उसमें क्या समझा फिर आपने इतनी डेप्थ में, इमोशंस जो होते हैं ना वो बड़े इन्वॉल्वड होते हैं इन एवरी वर्ड दैट दे राइट, और ये बड़ा एक बहुत ही, और वो ये होता है कि वो ना आमद होती है आपके ना, ऐसे नहीं होता कि आप सोच रहे होते हैं, ऐसे होते हैं बिल्कुल, तो वो एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। आर्टिस्ट इसीलिए आर्टिस्ट कहलाता है ना, क्योंकि वो शायरी करता है तो इसी तरह आती है, जब वो पेंटिंग करता है तो उसका ब्रश कहते हैं ना खुद से मूव होता है, इनहेरेंट है ना, ये इनहेरेंट है, पैदाइशी तौर पे एक तरह से है, गॉड गिफ्टेड, हां गॉड गिफ्टेड है बिल्कुल, ऐसा ही है, सो ट्रू। और चले ये तो हमने किया, अब हमें लगता है कि एक गाना और होना चाहिए हमारी अगेन नॉट सो सुरीली आवाज में, बट द एंजॉयमेंट नीड्स टू बी देयर एंड द वाइब्रेंस ऑफ द ईद नीड्स टू बी देयर, है ना सामिया, तो अब लोग करते हैं एक और गाना, तो अभी क्या सजेशन है आपकी, कौन सा गाना गाएं आज, लगता है यहाँ से हम सिंगर्स बन के निकलेंगे जी, मुझे भी ये लगता है उस्मा ना आज सबको सिंगर बना के छोड़ेंगे, उस्मा पहले आप गाएं, अब हम उस्मा को बनाते हैं बिल्कुल उस्मा आप शुरू करें, शुरू करें हम आपके साथ हैं, मेरा गला उस तरह ठीक नहीं है, वो तो खैर जब भी बुरा गाना होना तो बंदा यही एक्सक्यूजेस करता है। अच्छा सबसे ज्यादा आप एक्साइटेड उस्मा कहाँ होती हो, जहाँ पे आप कहते हो चलो गाना गा लेते हैं, वो जब शादी होने वाली होती है ना घर में ढोलकी आती है, आप कहते हो चलो इसको बजा के जैसा मर्जी गा लो, नहीं इतना भी बुरा नहीं है, वो तो खैर हमारे वो यूज करते थे ना मरासी बुला के ना, आप डांस करवाते थे और बड़ा रौनके लगाते, हम कर लेते हैं, हमें वी आर मॉडर्न मरासी, वी डोंट माइंड, ठीक है आप लोगों ने रौनक लगानी होती है दैट व्हाट्स मैटर, लेकिन हाँ गाना हम जरूर गाते थे, थोड़ी सी मेरी आवाज बैठी है, लेकिन सिंस ईद है तो हमें गाना गाना चाहिए, ठीक है, और करना चाहिए थोड़ा सा, लोग कहते हैं कि मैं शायद थोड़ा सा बेहतर गाती हूँ जो जरा ना थोड़ा सैड सॉन्ग होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजवाना भी हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपका जब ये वाला होता है ना इट एक्चुअली गिव्स यू अ फ्लेयर जिसके अंदर आप लोग ना सिंगिंग कर सकते हैं और गा सकते हैं, तो हम लोग गाना गाते हैं, एक तो इनके साथ मिलके गाना है, एक अलग से है, दो तीन लाइन्स है जो मैं गाऊंगी, एंड प्लीज आई वुड हार्ड से कि मुझे एक्सक्यूज करिएगा मेरा गला थोड़ा सा बैठा है पोलन की वजह से, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, हाँ ठीक है, अच्छा आप मेरे साथ हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग दैट आई लाइक, और ये है कभी कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना सानू तेरी ओर वे ना जिंद साड़ी रोल वे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उज्मा, बाय द वे कौन है ये, थैंक यू, कौन है ये,
ये आमिर, खालिद, खुरम, समीर, चार पांच बहुत सारे नाम याद आ गए एकदम से आपने नाम ली तो असल में ना मजा ये आता है कि अपना शो है ना तो चाहे आप जो मर्जी करो, वो नहीं ख्वाहिशात होती थी कि ईद पर ये ईद पे वो तो सिंगिंग करे जो भी करे उस्मा की सारी ख्वाहिशात पूरी करे। लेकिन ये मैं क्रेडिट दूंगी रोज न्यूज को, अपनी टीम को, मैं स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सीईओ हैं, उन सबको कि वो हम लोगों को इतना फ्री हैंड देते हैं कि हम अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, हम जो चीज फन में कर रहे होते हैं आप तक लेकर आते हैं और वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, माइंड आवाज जो है ना इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, उसमें ने बहुत खूबसूरत गाया। थैंक यू फॉर दैट, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक टू से ईद मुबारक टू देम। ये जो जितना भी शो आपके पास आ रहा है, ईद के दिन आ रहा है, ये सारी मेहनत, हम तो सामने बैठ के गप लगा के चले जाते हैं, इसकी एडिटिंग, इसकी वीडियोइंग, इसकी ईच एंड एवरीथिंग ये टीम करती है। तो शाउट आउट है हमारी टीम को, ईद मुबारक है उनको, हमारे सीईओ को ईद मुबारक है मेरे और सामिया की तरफ से। हम नहीं भूले अपनी टीम को, आप लोग भी रोज न्यूज के स्पेशली व्यूअर्स जो है अपनी दुआओं में और अपनी बातों में याद रखिएगा। मजे की बात है हमारी टीम भी हमें नहीं भूली, देखें चाय और हर चीज पड़ी हुई है। हाँ, ये तो हमारे कैंटीन वालों ने दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी मोहब्बत में इन किसको भी शामिल करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने गाना गाया और हमने बहुत इंजॉय किया। अब ये है कि कुछ ईद के मैसेजेस भी हो जाए, किसी ने किसी को शाउट आउट देना हो, कोई फैमिली वालों को कहना हो, यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग शेयर कीजिए, आप ईद के ऊपर कोई किसी फ्रेंड को कोई मैसेज देना हो, स्पेशली जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, किसी का भी नाम लेके आप देना चाहे तो ये सर्विस हाजिर है। मैं अपने बच्चों के लिए एक शाउट आउट और पेरेंट्स के लिए देना चाहूँ। जबरदस्त जबरदस्त, आप प्लीज आप कैमरे में देख के एक जबरदस्त शाउट आउट। दिस शाउट आउट इज फॉर अलिश्पा सादत एंड शाहान अली असद। अलिश्पा सादत, शाहान अली असद, शाहान अली असद भाई मेरी तरफ से भी उनको बहुत ईद मुबारक। यू बोथ आर माय इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। The most beautiful message from a mother. This is the mother love. एग्जैक्टली सदा, थैंक यू सो मच जौरिया फॉर रिमाइंडिंग मी। और ये बड़ा ही इसने बहुत ही अच्छी चीज कही, मैं खुद अपने बच्चों को सबसे पहले ईद मुबारक कहूंगी एंड आई वुड लाइक लव टू टेल देम दैट आई लव देम वेरी मच, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एंड दे आर माई इंस्पिरेशन, द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। अल्लाह उनको जिंदगी सेहत सलामती दे। हाशिम, शानजे और इनाया, हाशिम सबसे बड़ा है और फिर शानजे है और फिर इनाया है, और मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो मेरे दिल के इक्वल जो है ना वो पार्ट्स हैं, और अल्लाह उनको बहुत कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह। एंड बस दैट्स इट, थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज, सो ब्यूटीफुल जी हुमैरा। मेरे ख्याल में हम लेगेसी बरकरार रखते हैं क्योंकि हम अक्सर जो है ना अपने पेरेंट्स का भी जिक्र करते हैं, अपने बहन भाइयों का भी जिक्र करते हैं, और बच्चे हमेशा निगलेक्टेड होते हैं। बल्कि मेरे बच्चे हमेशा कंप्लेन, मेरी बेटी स्पेशली कंप्लेन करती है, मामा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, ठीक सारी दुनिया का नाम ले लेती है। तो बस आज देखो, आज का दिन जो मैं स्पेशली डेडिकेट करती हूँ अपने दोनों बच्चों को, बेटा है रियान और बेटी है रायमा, रियान एंड रायमा, उन दोनों को बहुत ज़्यादा जो है मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत, ईमान और जिंदगी से रखे और नेक रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और सायमा आप? मैं भी आई थिंक अपने बच्चों को यार ये तो बच्चा फलाही इदारा हो गया, मदर स्टे हो गया। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब आपकी तरफ ट्रेंड कर देती, आप बताएं किसको मैं। नहीं नहीं नहीं, पहले हम साहिबा से मैसेज कंप्लीट लेते हैं, उसके बाद से फिर मैं भी दूंगी। मदर्स डे हो गया, मदर्स डे नहीं, मेरा तो मैसेज इसलिए ऐसा है, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ नहीं है इस दफा ईद पे। चले कोई बात नहीं, वो उन दोनों के तवस्सुल से आपका मैसेज जरूर सुनेंगे। उन दोनों के लिए बहुत ईद मुबारक। नाम बताएं उनका, फातिमा, ज़ैनब एंड ज़ैनब, दोनों अपने इन-लॉज में और बेटा मेरे साथ है, तो तीनों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, इन सब के बच्चों को हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। आप सब के बच्चों को, सारे बच्चों को, आप सबको भी, हमारे तो भी बच्चे नहीं हुए लेकिन क्या है, इंशाल्लाह यू नो योर नेफ्यूज एंड नीसेस आर एक्चुअली द इसी का ना ऑल्टरनेट है, तो वो उनसे जो मोहब्बत है वो मोहब्बत है।
उनको भी ईद मुबारक। हाँ, सबको, सब सबके बच्चों को ईद मुबारक, खूबसूरत सबके बच्चों को। क्योंकि हम जो वर्किंग वुमन होती है ना, उसमें उनमें जब हम काम के लिए निकलते हैं या अपने बिजनेस के लिए, तो सबसे ज्यादा सफर हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, वो निगलेक्टेड होते हैं, बिकॉज वो टाइम उनको चाहिए होता है। जब स्कूल से आए तो वो चाहते हैं कि उनकी मदर उनके पास हो, लेकिन उस टाइम पे हम बिजी होते हैं। तो ये चीज जो होती है, हमारे अंदर गिल्ट रहता है कि हमारा उनका जो टाइम था वो जी, जी, प्लीज, प्लीज, कम, कम। हम होस्ट को भी थोड़ा हक दे दें, थोड़ा हम भी कह दें। सारा हक आप का ही। हादी एंड अविशा, बहुत बहुत ईद मुबारक, मामा इज कमिंग। क्यूट। हमारी तरफ से भी सामिया हादिया, हादी एंड आयजा एंड अविशा, आयजा एंड अविशा को बहुत अविशा, बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, बड़े डिफरेंट नेम यू ने था, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और मुझे तो, और ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये इसके भी बच्चे हैं। हां, मुझे तो अपना सिंगल पल कुछ ज्यादा ही लग रहा है। नहीं, उज्मा हमारी तरफ से हमारी बच्ची उज्मा को ईद मुबारक। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। मैं क्या कहूं हुबैरा, मैं चले आपकी बच्ची से, लेकिन चलो किसी की तो बनी, ठीक है। अल्लाह करे मुझे किसी और साल का भी मेल कभी हम, मैं किसी की बच्ची बनूं और बच्चे बने और एक एक लेगेसी बिल्ट हो। लेकिन आई वुड लव दीज पीपल अराउंड मी, द स्पिरिट फ्रॉम देम, द लवली ऑफ द पार्ट। लेकिन मैं अपने, आई हैव द फ्रेंड्स लाइक फैमिली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब अल्लाह ताला, ऑब्वियसली एवरीबडी विल हैव द फैमिली, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना आपके फ्रेंड्स ने आपका हिस्सा आपके बने होते हैं। तो ईद मुबारक अगेन फ्रॉम द शाउट आउट फ्रॉम मी। मैं ईद मुबारक कहना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, ऑब्वियसली आई हैव ओनली वन ब्रदर, तो उसको और उसकी फैमिली को, बट एट द सेम टाइम अपने टीचर्स को कहना चाहती हूँ। आई एम इन ऑल विद देम, स्पेशली जैसे सर अदील मेरे हैं, सर खुरम हैं, और बहुत ट्रेसी थॉम्सन हैं, बिकॉज मैंने भी एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था, वहाँ की भी टीचर्स हैं सबको। बट एट द सेम टाइम जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं टीचर्स सबके नाम नहीं ले सकूँगी, तो माई फ्रेंड्स अदीला, मारिया, इसके अलावा फ़ाइज़ा, इनाम, बिलाल, दिस इज, आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देर आर 7 or 9 ऑफ देम, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, एंड इवन इफ आई से वन वर्ड एंड दे आर देयर। तो मैंने आप लोगों को कभी कहा नहीं आपस में, तो हम लोग जो है ना बस कुत्ते बिल्लियों की तरह ही लगे रहते हैं, फ्रेंड्स होते क्या है। बट आज थोड़ा फॉर्मल होके मैं कहती हूँ, गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, मेरे डाउनफॉल्स में भी, मेरे अपफॉल्स में भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल, आप लोगों ने मेक श्योर किया कि आप लोग मेरे साथ थे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव द फ्रेंड, ईद मुबारक, एंड मे यू हैव द बेस्ट ऑफ द ईद। हाँ जी, तो ये तो हमने तारीफों वाले भी शाउट आउट दे दिए, हमने बातें भी कर ली। मेरा ख्याल है एक खूबसूरत सा गाना होना चाहिए, और वो हमारे साथ जो रिजवाना है वो हमें सुनाएंगी, क्योंकि उनकी आवाज़ इस माशाल्लाह द बेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे रिजवाना को बुलाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने ईद के आखिरी आखिरी लम्हात में अपने प्रोग्राम के, क्योंकि सब ने ईद की गहमा गहमी जो है घर जाके भी मनानी है और सब करनी है। लेकिन आप लोगों को मैसेज है खूबसूरत सा ईद का, कि आप लोगों ने ईद में अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, पड़ोसियों को, सबको याद रखना है, और रोज न्यूज वालों को भी, तो दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। आप सबको उज्मा की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो सामिया है वो भी खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ शेयर कर रही है। मेरी तरफ से भी मैसेज यही है कि जो हमने पूरा महीना सीखा उसको इम्प्लीमेंट करें, सारे गिले शिकवे जो है वो दिल से निकाल दें, और अपनों से ईद मिले प्यार मोहब्बत से। आज ईद का दिन मोहब्बत के साथ गुजारें, अपनों के साथ गुजारें, और अपने मुसलमान बहन भाइयों को बिल्कुल ना भूलें, जो कि हमारे भाई जो बॉर्डर पे अभी बैठे हुए हैं, हमारे फलस्तीन वाले भाई, वो जो हमारे बहन भाई हैं जो वहाँ पर भूख से लड़ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, हम अपनी दुआओं में उनको याद रखें और इसी तरह ईद मनाते रहें हमारे साथ, हमारी रोज न्यूज़ की टीम के साथ हंसते मुस्कुराते ईद मनाते रहें। हम हमारी तरफ से आप सबको, मेरी टीम की तरफ से अपनी इजाजत भी ले ली, लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना रिजवाना से सुनेंगे,
और एक बहुत ही खूबसूरत नोट के ऊपर करेंगे। तो आप सबको अगेन ईद मुबारक और ओवर टू रिजवाना। Thank you.